Now, very good evening to all guys. Good evening, good evening, good evening. Good evening to all, good evening to all, good evening to all. हेलो, सलाम, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल. कैसे हैं सभी लोग? फटाफट ज्वाइन हो जाओ आज के इस बहुत ही बेहतरीन सेशन में. यस. नाउ मेरे प्यारे भाइयों, सेशन के स्टार्ट करने से पहले बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करने जा रहा हूँ. अनअकैडमी कॉम्बैट, अगर आपने अभी तक रजिस्टर नहीं किया तो फटाफट जाइए ये अनअकैडमी कॉम्बैट रजिस्टर करिए. और रजिस्टर करते समय आप एक कोड यूज कर सकते हैं, दैट इज आलोक लाइव. आप आलोक लाइव कोड से अनअकैडमी कॉम्बैट रजिस्टर कर सकते हैं मेरे प्यारे भाइयों. ओके, यहाँ आपको होगा क्या, गेट और ईएसई का एक 65 मिनट का आपका टेस्ट होगा. देन वहाँ आपको कुछ रैंकिंग मिलेगी और जिस हिसाब से आपकी रैंकिंग होगी इनाम के हकदार भी आप उसी हिसाब के होंगे. ओके, सो वेरी गुड इवनिंग एवरीवन. आज हम बात करने वाले मशीन डिजाइन बेसिक लेवल टेस्ट की. और मेरे प्यारे भाइयों, वी आर सीइंग द मशीन डिजाइन. या मशीन डिजाइन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल इन अ गेट 2021. जैसा कि हम सभी जानते हैं, डिजाइन इंजीनियरिंग का सबसे बेहतरीन टॉपिक दैट इज द मशीन डिजाइन. यस, ध्यान रखिएगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, हेलो एवरीवन, आई एम आलोक झा, फैकल्टी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, एंड वेरी वार्म वेलकम टू ऑल. आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस YouTube चैनल पे अनअकैडमी गेट MEPIXE पर. अगर आप चैनल पे नए हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा. अगर मैं अपने बारे में बताना चाहूँ गाइस, तो आई एम 4 times गेट टॉप रैंकर, MTech फ्रॉम IIT एंड 8+ year टीचिंग एक्सपीरियंस. और सब्जेक्ट जो मैं आपको पढ़ाता हूँ दैट इज द हार्ट एंड सोल ऑफ द मैकेनिकल इंजीनियरिंग, दैट इज द थ्योरी ऑफ मशीन, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, मशीन डिजाइन एंड इंजीनियरिंग मैकेनिक्स. नाउ बच्चा लोग, अगर मैं बात करना चाहूँ बिफोर स्टार्टिंग द सेशन, सेशन के स्टार्टिंग करने से पहले, आलोक लाइव क्या है? आलोक लाइव एक ऐसा रेफरल कोड जिससे आप अनअकैडमी पे सारी फ्री स्पेशल क्लासेस देख सकते हो. अनअकैडमी पे कोई भी सब्सक्रिप्शन लेना है तो आप एक कोड यूज कर सकते हो आलोक लाइव, जिससे आपको 10% का डिस्काउंट भी मिल जाता है फीस पे. जितनी फीस होगी उस पर 10% का डिस्काउंट. चलो, सो माय डियर फ्रेंड, फ्री स्पेशल क्लास के लिए आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा. देन उसके बाद आपको डाउनलोड करने के बाद गोल चूज करना पड़ेगा, गेट एंड ईएसई. देन आपको आलोक झा सर्च करके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं. इसको फॉलो करने के बाद गाइज आप मेरी फ्री स्पेशल क्लासेस देख सकते हैं. नाउ अगर आपको सारी चीजें, अगर मैं कहूं कि आपको मैं गेट के प्रीवियस 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक लिंक में दे दूं तो बेटा tinyurl.com/GatePYQ आप इसके तहत जाकर आप हमारे साथ यहाँ जुड़ सकते हैं. सारे लेक्चर्स यहाँ हैं और ये पूरे के पूरे आपको यहाँ लिंक देखने को मिल रहा है. आप इन लिंक को क्लिक करके डायरेक्ट भी जुड़ सकते हैं हमारे साथ. चलिए, सो गाइज, इफ यू वांट टू ज्वाइन अवर प्लस सब्सक्रिप्शन, अगर मैं बात करना चाहूँ गाइज, अगर प्लस पे जुड़ना चाहते हो, क्योंकि हमारा बैच अनाउंस होने वाला है 11 तारीख से. सो गाइज, यू कैन सी दिस लाइव क्लासेस, क्रैश कोर्स, वीकली टेस्ट, डाउट सॉल्विंग सेशन, आपको इंग्लिश हिंदी बैचेस, रैंक इंप्रूवमेंट बैचेस, ये सारी चीजें बेनिफिट मिलती है. नाउ अगर आप आइकॉनिक में आते हो तो आइकॉनिक का सबसे बड़ा बेनिफिट मेरे प्यारे भाई है पर्सनल कोच. एंड इसी के साथ साथ आपको स्टडी मटेरियल और प्रैक्टिस सेट और बहुत सारे मोटिवेशन सेशन और इसी के साथ साथ टेस्ट एनालिसिस आपको यहाँ मिलने को देखने को मिलेगा गाइज. सो दिस इज द बेनिफिट ऑफ द प्लस एंड आइकॉनिक गाइज, इसको ध्यान रखेंगे. अगर मैं फीस की बात करूँ तो प्लस में 3 तरीके के प्लान है, 12 महीने, 18 महीने और 24 महीने. अगर आपसे यहाँ एक रेफरल कोड पूछा जाएगा, अगर आप एक रेफरल कोड यूज करते हो, लेटर सपोज अगर मैं बात करना चाहूँगा, जब देख रहे हो 44,000 का अमाउंट है अगर आप 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो. लेकिन यहाँ एक रेफरल कोड आपको यूज करना होगा मेरे प्यारे भाइयों. वो रेफरल कोड अगर आप यूज करते हो आलोक लाइव, आलोक लाइव लिखते ही ये फीस 39,600 की हो जाएगी. बिल्कुल. सो माय डियर फ्रेंड, इफ यू वांट टू ज्वाइन दिस, आप जरूर ज्वाइन करो. और यहाँ आप आइकॉनिक के सब्सक्रिप्शन पे जाओगे तो फीस अपने आप यहाँ कम हो जाएगी अगर आप मेरा कोड यूज करते हो तो. ठीक है, चलो. सो गाइज, आज है 7 तारीख और 7 तारीख का दिन है मशीन डिजाइन बेसिक लेवल टेस्ट का. मशीन डिजाइन बेसिक लेवल टेस्ट का चलिए स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को. सो गाइज, फटाफट आ जाओ, फटाफट फटाफट फटाफट. Are you ready? 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 फटाफट 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 फटाफट, जल्दी जल्दी आ जाओ, जल्दी जल्दी आ जाओ, जल्दी जल्दी आ जाओ. अगर सभी लोगों को मेरी आवाज पहुंच पा रही है तो कृपया करके कमेंट में थम्स करें. कृपया करके सभी लोग कमेंट में थम्स करें गाइस, कम ऑन. तो अपन स्टार्ट करते हैं एक बेहतरीन सेशन का। बेहतरीन सेशन अपन स्टार्ट करते हैं बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है, बहुत ही बेहतरीन सेशन है। यस या वी आर रेडी या चलो वी आर स्टार्टिंग गाइस, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने क्वेश्चंस को। चलिए क्वेश्चन आपके सामने आया है, क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और इसके ऑप्शन को क्लिक करिए। Which of the following, guys, this is the first question. Which of the following is not type of failure in the riveted design? कह रहा है कि not type of failure of the riveted design, ठीक है ना, not type of failure, कौन सा type failure नहीं है riveted design में, आपका कौन सा type का failure नहीं है। इन चार option में से एक option आपको देखना है, जल्दी जल्दी आंसर करो। shear failure of the rivet, shear failure of the plate between two consecutive rivet, tensile failure of the plate between two consecutive rivet, shear failure of the plate in margin area। फटाफट मेरे को आंसर करो, कौन सा नॉट ए टाइप ऑफ रिवेटेड डिजाइन है। मतलब हम रिवेट डिजाइनिंग जब करते हैं, रिवेट के जब हम डिजाइनिंग करते हैं तो कौन कौन सा फेलियर देखने को मिलता है। तो मेरे प्यारे भाइयों, हमें सभी को पता है कि जब हम रिवेट की डिजाइनिंग करते हैं तो हमें वहां तीन टाइप का फेलियर देखने को मिलता है। क्या क्या सर? शियरिंग, क्रशिंग एंड टियरिंग, ये तीन टाइप का फेलियर हमें देखने को मिलता है। तो शियरिंग कहाँ होता है? सर शियरिंग फेलियर होता है रिवेट पे। क्रशिंग, सर क्रशिंग भी होता है रिवेट पे। एंड टियरिंग कहाँ होता है? सर टियरिंग होता है प्लेट पे। सो मेरे प्यारे भाइयों, यहाँ से आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिल गई हैं और ये कॉन्सेप्ट आपको यहाँ से क्लियर होगा। क्या? शियरिंग, क्रशिंग एंड टियरिंग, ठीक है ना। शेयरिंग एंड क्रशिंग ये दोनों जो है बेटा, ये कहाँ होता है? रिविट पे होता है, ध्यान रखिएगा। और टियरिंग किस पे होता है बेटा? ये होता है प्लेट पे, ठीक है ना, ध्यान रखना। तो शेयरिंग एंड क्रशिंग अगर मैं बात करना चाहता हूं, ये दोनों रिविट का फेलियर होता है, टियरिंग होता है प्लेट पे। चलिए देखते हैं ध्यान से, अगर मैं बात करना चाहता हूं इनके फर्स्ट लेटर से। फर्स्ट लेटर इज एस, सेकेंड इज सी, यहाँ आप देख रहे हो फर्स्ट का, इसका फर्स्ट है हमारा क्या? टी। सो यू कैन से दिस, आप इसके एस के कह सकते हो कि यहाँ क्या होता है? यहाँ लगता है शीयर, यहाँ लगता है सी फॉर कंप्रेशन और यहाँ लगता है टी फॉर टेंसाइल। आई थिंक आप सभी लोग इस चीज को समझ सकते हो, देन इसको आप आंसर कर सकते हैं गाइज। यू कैन से दिस कि शेयरिंग, क्रशिंग एंड टियरिंग अगर हो रहा है, शेयरिंग, क्रशिंग एंड टियरिंग हो रहा है, यू कैन सी दिस गाइज। अगर रिविट में शेयरिंग फेलियर हो रहा है, इफ द रिविट हैज शेयरिंग फेलियर, तो रिविट में क्या हो रहा होगा? शेयरिंग कर रहा होगा। देखो ध्यान से, शेयरिंग फेलियर ऑफ द रिविट, क्या ये लाइन सही है? बस हाँ या ना। बिल्कुल सर, शेयरिंग फेलियर रिविट के अंदर ही होता है, तो शेयरिंग फेलियर ऑफ रिविट, ये लाइन बिल्कुल सही है। लेकिन इस क्वेश्चन में कहा है कि कौन सा नॉट ए टाइप है, मतलब कौन सी लाइन गलत है, बस ये बताना आप तुम, ठीक है ना। ये लाइन तो सही है, ठीक है। नाउ शीयर फेलियर ऑफ द प्लेट, क्या शीयरिंग फेलियर होता है प्लेट का? नहीं होता है सर, ठीक है। अगला टेंसाइल फेलियर ऑफ द प्लेट, बिल्कुल भाई, टेंसाइल फेलियर होता है, टियरिंग होता है प्लेट का, बिल्कुल सत्य है। अगला शीयर फेलियर ऑफ द प्लेट, भाई ये बिल्कुल गलत है, इन द मार्जिन एरिया, लेकिन यहां वर्ड एक जोड़ दिया है बेटा, इन द मार्जिन एरिया। प्लेट में भी बेटा शेयरिंग होता है बट इन मार्जिन एरिया। ये मार्जिन एरिया क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा समझते हैं, देखिएगा ध्यान से। अगर मैं बात करता हूं, लेट अस सपोज ये एक प्लेट है और इसके ऊपर हमें यहां क्या करना है बेटा? एक प्लेट के ऊपर हमारा ये दूसरा प्लेट है। अब अपन क्या करते हैं, यहाँ हम जैसे रिवेटिंग करते हैं भाई, यहाँ जैसे हमने क्या कर दिया? रिवेटिंग कर दिया। तो जो आपने रिवेटिंग की मेरे भाई, ध्यान से देखिएगा, जब आपने इसको रिवेटिंग किया, जब आपने ये चार रिवेटिंग किया ना, तो आपने ये देखा जरूर होगा, गारंटी है कि आपने ये देखा होगा, ये अगर चार रिवेट है तो यहाँ आपने एक चीज जरूर देखा होगा, दैट इज व्हाट? दैट इज द मार्जिन। ये होता है हमारा क्या? मार्जिन। सो मेरे प्यारे भाइयों, जब हम प्लेट की बात करते हैं ना, तो जब हम प्लेट पे रिविट ठोकते रहते हैं, तो जब हम प्लेट पे रिविट के लिए हम लोग जब रिविटिंग डाल के प्रेस करते हैं ना बेटा, तो होता क्या, मार्जिन एकदम कॉर्नर पॉइंट होता है। तो कभी कभी क्या होता है, मार्जिन से हमारा प्लेट क्या होता है, फट जाता है। मार्जिन पे क्या हो जाता है, शियर्ड हो जाता है हमारा प्लेट। तो ध्यान रखिएगा, शेयरिंग फेलियर मार्जिन पे पॉसिबल हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है बेटा, हो सकता है। तो ये पॉसिबल हो सकता है, ध्यान रखिएगा। बट सीयर फेलियर ऑफ द प्लेट बिटवीन टू कंसेक्यूटिव रिविट, भैया ये बिल्कुल नहीं हो सकता। तो नॉट ए फेलियर टाइप ऑफ रिविटेड, ठीक ना। सो ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक ना। समझिएगा ध्यान से, कोई लाइन गलत है वही यहां सही है। नॉट ए टाइप पूछा है, ध्यान रखिएगा। इज दैट क्लियर? ऑप्शन नंबर बी इज राइट। आर यू गेटिंग यस और नो गाइज? गाइज प्लीज गिव मी योर वैल्यूएबल कमेंट। गाइज प्लीज गिव मी योर वैल्यूएबल कमेंट, कम ऑन। चलो द नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेक्स्ट क्वेश्चन डियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं ध्यान से। कह रहा था लॉन्गिट्यूडनल ज्वाइंट इन द बॉयलर सेल इज यूजुअली, किसी बॉयलर सेल में लॉन्गिट्यूडनल ज्वाइंट क्या है भाई, बताओ मेरे को फटाफट देख के बताओ। देखो ये सारे क्वेश्चन गेट में एग्जाम में आने लायक हैं, मैं इसीलिए इनको यहां लेकर आया हूं। और आज मैं प्रॉमिस कर रहा हूं, क्वेश्चन का लेवल देख के आपको सीरियसली मजा आ जाएगा। मतलब दिल अंदर से खुश होगा, सीरियसली। आप क्वेश्चन का लेवल देखेंगे ना, आपका अंदर से दिल खुश हो जाएगा, सीरियसली। फटाफट देखो, लॉन्गिट्यूडनल ज्वाइंट इन द बॉयलर सेल, लॉन्गिट्यूडनल ज्वाइंट इन द बॉयलर सेल कौन सा ऑप्शन है भाई? बट ज्वाइंट, लैप ज्वाइंट, डबल स्ट्रैप बट ज्वाइंट, सिंगल स्ट्रैप बट ज्वाइंट। ये स्ट्रैप क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्ट्रैप? सर स्ट्रैप मींस प्लेट। कौन सा प्लेट? सर कवर प्लेट, ठीक है ना। स्ट्रैप का मतलब क्या हो गया? कवर प्लेट। यस, बताइए मुझे व्हाट इज द आंसर? लैप बट, बताओ फटाफट बताओ। देखो भाई, सोचो समझो, आंसर करो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, थोड़ा ध्यान से। मैंने पहले ही बोला है क्वेश्चन अच्छा है। लॉन्गिट्यूडनल ज्वाइंट इन द बॉयलर सेल इज यूजुअली, लॉन्गिट्यूडनल ज्वाइंट इन द बॉयलर सेल। गाइस सुनना मेरी बात ध्यान से, जब हम बॉयलर देखते हैं बेटा, आपको पता होना चाहिए, बॉयलर सेल से ही हम लोग को सब कुछ पता चला रिवेटिंग के बारे में। क्या बात कर रहे हैं? यस, हमने सबसे पहले बॉयलर के अंदर ही देखा और वहीं से हमारा एक एक्ट बना जिसको हमने कहा आईबीआर एक्ट। आपको पता होना चाहिए ये सारी चीजें, आईबीआर एक्ट। ये आईबीआर एक्ट क्या है बेटा? बना इंडियन बॉयलर रेगुलेशन एक्ट, ठीक ना। इंडियन बॉयलर रेगुलेशन एक्ट में कहा गया कि बॉयलर के अंदर लॉन्गिट्यूडनल ज्वाइंट किया जाएगा। तो भाई बॉयलर के अंदर जो ये लॉन्गिट्यूडनल ज्वाइंट किया जाएगा, ये क्या होगा? तो ये चीज ऐसा हुआ, मैं अब आपको यही समझाना चाहता हूं। ये चीज ऐसा हुआ कि बॉयलर का, जैसे बॉयलर का एक सेल होता है ना, बॉयलर क्या होता है? एक सर्कुलर सेल होता है, ठीक ना। जैसे प्लास्टिक की बोतल है या आपके घर में जो आपके मतलब प्रेशर कुकर है, ये एक सेल है, ठीक है ना। आप सुनिएगा ध्यान से, आप देखिएगा ध्यान से, यहां हम कैसे कर रहे हैं इसकी ज्वाइंट। तो वहां जो है ना ज्वाइंट, जस्ट लाइक जैसे हम शर्ट में बटन होता है ना, ऐसे ही हमें ज्वाइंट करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, शर्ट के बटन को हम लोगों ने क्या किया, एक के ऊपर एक रखते हैं, यहाँ हम लैपिंग करते हैं। बट लेकिन मेरे भाइयों, बॉयलर में हम लोग क्या करते हैं, एक प्लेट इधर से आता है और एक प्लेट इधर से आता है, और ये दोनों आपस में अगल बगल बैठ जाते हैं। अंदर से एक कवर प्लेट लगाते हैं, है ना, और बाहर से एक कवर प्लेट लगाते हैं, ठीक है ना। और इसके बाद हम लोग इसके अंदर क्या करते हैं, ये हम लोग क्या करते हैं बेटा, ज्वाइंट करते हैं। सो मेरे प्यारे भाइयों, यहां कितने कवर प्लेट की बात की गई? यहां दो कवर प्लेट की बात की गई, और दो प्लेट को हमने अगल बगल रखा, मतलब एज से एज मिलाया दोनों प्लेट का। तो एज से एज मिलाया मतलब बट ज्वाइंट। बट कितना कवर प्लेट? दो कवर प्लेट, तो डबल स्ट्रैप बट ज्वाइंट। तो बॉयलर में जो ज्वाइंट किया जाता है वो हमेशा ध्यान रखना है डबल स्ट्रैप बट ज्वाइंट। वेरी गुड गाइज, बहुत अच्छा, काफी बच्चों ने सी बोला इसका, बहुत अच्छे। तो लॉन्गिट्यूडनल ज्वाइंट इन बॉयलर सेल जो होता है हमारा ये है बेटा। आईबीआर के तहत ही हमें पता चला कि रिविट का डायामीटर क्या होता है। तो आईबीआर के तहत ही हमें एक चीज पता चला, अनविन्स फॉर्मूला, अनविन्स का फॉर्मूला हमें यही पता चला, अनविन्स का फॉर्मूला हमें यही पता चला d इज इक्वल टू 6.02 रूट ओवर टी। अनविन्स का फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू आईबीआर ही हमें सब कुछ पता चला मेरे प्यारे भाइयों, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन गाइस, ध्यान से। अगर आपने बियरिंग किया है, अगर आपको बियरिंग आता है तो आप ये क्वेश्चन का आंसर कर दोगे, अदरवाइज फंस जाओगे। या फटाफट आंसर कर दीजिए। बताइए, अगर बियरिंग किया है तो आप आंसर कर देंगे। बताओ भाई, बताइएगा। यस या जीजी से सी, वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलो देखते हैं बेटा ये क्या हुआ, कैसे आ गया ये आंसर और क्या है ये, आओ समझाता हूं। देखो देखो, यहां आपको लिस्ट वन से लिस्ट टू को अटैच करने का है और यहां आपको सब कुछ समझना है, ध्यान से देखिएगा। बाउंड्री लुब्रिकेटेड बियरिंग, बॉल एंड रोलर बियरिंग, बिल्कुल देखिएगा ध्यान से। हाइड्रोस्टैटिक बियरिंग, हाइड्रोस्टैटिक लुब्रिकेशन, हाइड्रोडायनामिक लुब्रिकेशन, समझना। अब देखो मेरे प्यारे भाई, सबसे बेहतरीन जो यहां आप पकड़ सकते हो वो सबसे बेहतरीन लाइन दो है। दो चीजों को आप पकड़ के काम कर सकते हो, देखो ध्यान से। अच्छा, जब बियरिंग पढ़ा रहा था मैं, ठीक है ना, तब मैंने एक बात बोली थी। क्या सर? मैंने एक बात ये बोली थी कि इतिहास में जब बियरिंग बनना शुरू हुआ, जब हमें जरूरत पड़ी बियरिंग की, तो उस समय जब बियरिंग बनना शुरू हुआ तो उस समय का सबसे बेस्ट बियरिंग हमारा बना क्या? बॉल एंड रोलर बियरिंग। कौन सा? बॉल एंड रोलर बियरिंग। अच्छा, हमारे शाफ्ट और होल के बीच में बहुत फ्रिक्शन लग रहा था, इसलिए बॉल और रोलर बियरिंग के बीच में जब हमारे सिस्टम में बॉल एंड रोलर बियरिंग आया तो हमने कहा कि ये फ्रिक्शन तो एकाएक क्या हो गया? कम हो गया। मतलब हमने बॉल एंड रोलर बियरिंग का दूसरा नाम रख दिया एंटी फ्रिक्शन बियरिंग। भाई बॉल एंड रोलर बियरिंग का दूसरा नाम रख दिया एंटी फ्रिक्शन बियरिंग। नाउ सेकंड पॉइंट देखो ध्यान से, बी का थ्री, बी का थ्री अब कहां कहां है? यहां है या तो यहां है, ये और ये क्या है? गलत है। सेकंड पॉइंट अब देखो कैसे और पकड़ सकते हैं। हाइड्रोस्टैटिक लुब्रिकेशन की बात करना चाहूं, हाइड्रोस्टैटिक लुब्रिकेशन बेटा आपको शायद पता हो, दो टाइप का बियरिंग होता है, एक होता है हाइड्रोडायनेमिक, एक होता है हाइड्रोस्टैटिक। हाइड्रोस्टैटिक बियरिंग में आपको पता होना चाहिए एक्सटर्नल डिवाइस पंप के थ्रू हम लोग उसको प्रेशर करके देते हैं, तो स्टार्टिंग में उसके चारों तरफ ऑयल होता है, तो स्टार्टिंग टॉर्क उसको ज्यादा देने की जरूरत नहीं पड़ती है। क्यों? क्योंकि इसके चारों तरफ ऑयल है। तो हाइड्रोस्टैटिक बियरिंग क्या होता है? स्टार्टिंग फ्रिक्शन इज लो, क्योंकि चारों तरफ ऑयल है तो स्टार्टिंग फ्रिक्शन क्या होगा? लो होगा। अब बेचारा हाइड्रोडायनामिक के पास ज्यादा ऑयल नहीं होता है, वो एकदम ग्राउंड पे होता है, इसलिए वो कोशिश करता है ज्यादा से ज्यादा अपने अंदर लेयर बना सके ऑयल का। इसीलिए मेरे प्यारे भाई ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे भाई, इसीलिए हाइड्रोडायनेमिक बियरिंग चला जाता है किसके पास? थिक फिल्म बियरिंग के पास। ठीक है, इतने से काम हो जाएगा आई थिंक मेरे हिसाब से। बी का थ्री, सी का फोर, डी का वन, हो तो गया काम। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी क्या है हमारा बेटा? करेक्ट हो गया है, ध्यान रखिएगा। तो मेरे प्यारे भाइयों, अगर मैं बात करना चाहूँ, बाउंड्री लुब्रिकेटेड बियरिंग जो होता है हमारा, थिन फिल्म बियरिंग के रूप में भी देखा जाता है, इसका ये नाम भी होता है। थिन फिल्म बियरिंग का दूसरा ही नाम होता है बाउंड्री लुब्रिकेटेड बियरिंग। अगर आपने थ्योरी पढ़ी है तो आपको ये भी पता होगा। ओके, सो दिस इज द वेरी इजी आई थिंक। ओके सो गाइज, आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गया होगा, ये चीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके चलो अगला क्वेश्चन। अब यहाँ से थोड़े से क्वेश्चन घूम जाएंगे, थोड़ा सा क्वेश्चन टफ हो जाएगा, ठीक ना। आपको फॉर्मूला थोड़ा सा याद रहेगा तो हो जाएगा, नहीं याद होगा तो नहीं बनेगा। सो मेरे प्यारे भाइयों, जी जान लगा दो इस बार इस क्वेश्चंस पे, इन क्वेश्चंस पे जी जान लगा दो, इन क्वेश्चंस पे जी जान लगा दो ध्यान से, इन क्वेश्चंस पे जी जान लगा दो मेरे प्यारे भाइयों ध्यान से। जल्दी बताओ, इन क्वेश्चंस पे जी जान लगा दो। क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं, बहुत बहुत अच्छे हैं बेटा। यू कैन सी दिस। देखो बेटा, डिस्क ब्रेक का है, ध्यान से करना। बताओ आंसर। देखो मैं इस क्वेश्चन को करता हूं बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन सीरियसली। कह रहा है या ए डिस्क ब्रेक हैज टू बी अप्लाइड ऑन द व्हील ऑफ मोटरसाइकिल। द आउटर डायामीटर ऑफ द ब्रेक इज 300 mm। ठीक ना। ब्रेक पैड मेक एन एंगल 80 डिग्री। अब देखो बेटा, यहां ब्रेक पैड एक एंगल बना रहा है, दैट इज थीटा एंगल, दैट इज 80 डिग्री, विद द सेंटर ऑफ रोटेशन ऑफ द व्हील। ठीक है ना। अब सेंटर ऑफ रोटेशन ऑफ द व्हील, अगर मान लो व्हील ऐसे घूम रहा है तो इतने 80 डिग्री पे ब्रेक पैड क्या कर रहा है, रोक दे रहा है इसको। हैव एन एरिया ऑफ, देखिएगा ध्यान से, तो ब्रेक पैड हैव एन एरिया ऑफ, एरिया कितना दिया बेटा, 8460। mm square. Now, what is the inner diameter of brake pad? अरे वाह, inner diameter पूछा गया जी, ठीक ना। और सबसे बड़ी बात है, यहाँ कौन सा ब्रेक है, डिस्क ब्रेक है। अब देखते हैं कितने बच्चे इसका आंसर करते हैं। जल्दी से जल्दी आंसर कर दीजिए, जल्दी से जल्दी आंसर कर दीजिए। देखिए बेटा, अब बात आती है कि सर हमारा जो डिस्क ब्रेक होता है, हमारा जो डिस्क ब्रेक होता है एक हॉलो सिस्टम है। क्यों? क्योंकि एक आउटर डाया एक इनर डाया। हाँ बेटा, तो सर हम तो जानते हैं एरिया बराबर क्या, π/4 आउटर डायामीटर का स्क्वायर माइनस इनर डायामीटर का स्क्वायर, हम तो यही जानते हैं सर। बिल्कुल जानते हैं। सो मेरे प्यारे भाइयों, इस एरिया को, इस एरिया के फॉर्मूले को हमें एंगल में कैसे कन्वर्ट करें, क्योंकि हमें तो अब एंगल दिया हुआ है। हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है बेटा, हमें क्वेश्चन में गिवन है कि ब्रेक पैड मेक एन एंगल ऑफ 80 डिग्री। तो बेटा इस 80 डिग्री को कैसे कन्वर्ट किया जाए और इसके फॉर्मूला को एंगल में कैसे कन्वर्ट किया जाए, तो आइए देखते हैं। मैं आपको यही बताना चाहूंगा सीधे कि एरिया बराबर अपन क्या करेंगे, ऊपर 2 और नीचे 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, नीचे 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। सर ऐसा क्यों किया, अभी पता चल जाएगा, देखना ध्यान से। आउटर डाया इनर डाया, देखना बेटा ऊपर क्या हो गया, 2π। 2π मेक एन 360 डिग्री, यस और नो। 2π क्या होता है, 360 डिग्री। 2π क्या होता है बेटा, सर 360 डिग्री है ना। 2π क्या हो गया, 360 डिग्री, डिवाइड बाई 8 आउटर डाया स्क्वायर माइनस इनर स्क्वायर। नाउ माय डियर फ्रेंड, यू कैन सी दिस कि एरिया जो है दैट इज 360 डिग्री हमने क्यों बनाया, हम पाई में 180 डिग्री लगा खुश नहीं थे? नहीं सर, हमारा जो डिस्क ब्रेक था वो पूरा का पूरा सर्कुलर था, और इस पूरे सर्किल का एंगल अगर आप देखेंगे दैट इज 360 डिग्री। ध्यान रखिएगा, तो पूरे सर्किल का एंगल अगर आप देखेंगे, दिस इज इनर डाया, दिस इज द आउटर डाया, ठीक है ना। तो मेरे प्यारे भाइयों, इस पूरे सर्किल का अगर आप एंगल देखेंगे दैट इज 360 डिग्री। सो मेरे प्यारे भाइयों, ये एंगल बन गया 360 डिग्री, ये जो हमारा है, डिवाइड बाई 8 आउटर डाया स्क्वायर माइनस इनर डाया स्क्वायर। नाउ तो मेरे भाई एरिया बराबर 360 डिग्री को अपन कहेंगे थीटा एंगल। फॉर्मूला बना रहा हूं, ध्यान से देखना, मैं फॉर्मूला बना रहा हूं, डिवाइड बाई 8 आउटर डाया स्क्वायर माइनस इनर डाया स्क्वायर। नाउ अब मेरे भाई, अब सुनो मेरी बात ध्यान से, ये तो हमारा क्या बन गया बेटा, ये हमारा बन गया फॉर्मूला। हमने क्या बना लिया बेटा, हमने बना लिया एक फॉर्मूला कि जहां से हम ब्रेक के, डिस्क ब्रेक के क्वेश्चन करते हैं। तो हमारा एरिया पता चल गया भैया। अब सर हमें सब कुछ तो पता है, हम क्यों नहीं वैल्यू पुट कर देते हैं? देखो ध्यान से, ऐसे मिनट पुट करना, आपको सब कुछ तो पता है बट आप थोड़ा सा ध्यान से कोशिश करो। एरिया हमें पता है, डाया पता है, सब कुछ वैल्यू पता है, ये डिग्री में रहेगा और बाकी सब वैल्यू में रहेगा तो वैसे कैसे चलेगा, तो इसको रेडियन में करना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। तो एरिया दिया 8460, सॉरी ठीक है ना, 8460, ठीक है ना। थीटा कितना है भाई? सर थीटा 80 डिग्री। इस 80 डिग्री को हम क्या करेंगे भाई, पाई बाई 180 कर देंगे। क्यों? क्योंकि इसको हम रेडियन में कन्वर्ट कर सकें। डिवाइड बाई 8, आउटर डाया कितना है भाई? सर 300 mm, 300 का स्क्वायर माइनस इनर डाया का स्क्वायर। सो गाइज यू कैन सी दिस, आप यहां से इनर डाया निकाल सकते हैं और फटाफट मेरे को बताइए इनर डाया कितना आया। और जिन बच्चों को ये टेक्निक आज पहली बार पता चली है वो फटाफट कमेंट में लिखेंगे। जिन बच्चों को ये टेक्निक आज पहली बार पता चली है और जिन्होंने आज फर्स्ट टाइम डिस्क ब्रेक के क्वेश्चन को देखा है, क्या डिस्क ब्रेक का क्वेश्चन ऐसे भी होता है, एक सिंपल से फॉर्मूले से डिस्क ब्रेक का फॉर्मूला बनाया और वहां वैल्यू रखकर आंसर कर दिया, फटाफट कमेंट करेंगे सभी लोग, फटाफट कमेंट करो। कम ऑन, यस, चलो। सो गाइज यू कैन सी दिस, आप देख सकते हैं डिस्क ब्रेक के क्वेश्चन का, ये एक ऐसा न्यू क्वेश्चन, अगर मैं बात करना चाहूँ, एक ऐसा न्यू क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा सकता है। क्यों पूछा जा सकता है बेटा? देखो ध्यान से, क्योंकि ब्रेक पैड से जो क्वेश्चन आए हुए हैं आज तक, सिर्फ और सिर्फ आपको वो सिंपल क्वेश्चन आए हुए हैं। अगर सबसे टफ करना चाहेगा या क्वेश्चन को टेढ़ा बनाना चाहेगा, आसान और टेढ़ा, तो मेरे प्यारे भाइयों ये सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है उसका, ठीक है ना। आप देख सकते हैं, ध्यान से देखिए, द एरिया इज गिवन, आउटर डाया इज गिवन, इनर डाया पूछ रहा है। दिस इज द वेरी बेसिक क्वेश्चन, ठीक है ना। आपको कुछ नहीं करना है, एरिया अपना फॉर्मूला लिखने का है, एरिया को कन्वर्ट कर देना है एंगल के फॉर्म में, तो एंगल का एरिया आपके सामने आ जाएगा। यहाँ से इनर डाया आप निकाल सकते हैं। व्हाट इज द आंसर? या 203, वेरी गुड, 203 mm, वेरी गुड डियर, बहुत अच्छे, वेरी गुड। 203 mm आएगा आंसर, ध्यान रखिएगा। ये 300 mm डायामीटर आउटर डाया था, इनर डाया आएगा 203, यस। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइज, ये आप देख सकते हैं। ओके, इज देयर एनी प्रॉब्लम? किसी को कोई प्रॉब्लम है तो तुरंत पूछ सकते हैं गाइज, तुरंत पूछिए, तुरंत पूछिए। किसी को कोई प्रॉब्लम है तुरंत पूछ सकते हैं आप। इज देयर एनी प्रॉब्लम, तो आप पूछ सकते हैं। ओके, नाउ यू कैन सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। एन इलेक्ट्रिक मोटर वेट 10 kN इज लिफ्टेड बाय मींस ऑफ एन आई बोल्ट। द आई बोल्ट इज स्क्रूड इनटू द फ्रेम ऑफ मोटर। इट इज मेड ऑफ प्लेन कार्बन स्टील, ठीक है ना, जिसका SYT दिया हुआ है एंड फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज 6। द साइज ऑफ द बोल्ट इज, देखो अब कौन कहेगा कि बोल्ट का क्वेश्चन नहीं आता, ठीक है ना, सोचो, समझो और समझने की कोशिश करो मेरे भाई, लगाओ दिमाग। क्वेश्चन कह रहा है द साइज ऑफ द बोल्ट इज, द साइज ऑफ द बोल्ट इज, फटाफट बताओ आंसर। यस कम ऑन गाइस, फटाफट बताओ, देख लो आप लोग, सॉल्व कर लो। मैं आपको 20 सेकंड का समय दे रहा हूं, आप लोग करो, उसके अंदर अपना दिमाग लगाओ, क्या हो सकता है। सर जी, एक बच्चे ने तो सीधे बोल दिया कि सर जी ये SYT दिया हुआ है और फैक्टर ऑफ सेफ्टी दिया है, तो जाहिर सी बात है हमें पहले परमिसिबल स्ट्रेस निकालना पड़ेगा। मैंने कहा निकाल लो भाई, कहता है सर जी सबसे पहले तो हम निकालेंगे क्या, परमिसिबल स्ट्रेस। क्या निकालेंगे डियर? परमिसिबल स्ट्रेस, परमिसिबल स्ट्रेस। सो माय डियर फ्रेंड, परमिसिबल स्ट्रेस कैसे आएगा आप देख सकते हैं ध्यान से। व्हाट इज द परमिसिबल स्ट्रेस? SYT अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो SYT कितना है बेटा? 400 डिवाइड बाई 6। सो मेरे प्यारे भाइयों, आप देख सकते हैं बहुत ही आसानी से 400 डिवाइड बाई 6, और आराम से देखिए, that is the 66.67 dear, you can see this। ये हमारा हो गया क्या, परमिसिबल, ठीक है ना। अब देखो, अब करो 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 करो। एन इलेक्ट्रिक मोटर वेट दिया है आपको, मतलब एक फोर्स दिया हुआ है आपको, ऐसे सोच सकते हैं आप, ठीक है ना। Lifted by an I bolt, the I bolt is screwed to the frame, ठीक है भाई। प्लेन कार्बोल से, व्हाट इज द साइज ऑफ द बोल्ट? बेटा बोल्ट का साइज आपको शायद पता होना चाहिए। बोल्ट में एक होता है नॉमिनल साइज, नॉमिनल डाया, होता है कोर डाया। आई थिंक आपको पता होना चाहिए चीजें, ठीक ना। तो दिस इज अ वेरी इजी गाइज, आपको स्ट्रेस यहां पता चल गया है। लेट अस सपोज, सॉरी ये दिस इज द परमिसिबल, मैंने इसको SYT लिख दिया, बट दिस इज द परमिसिबल। ओके, हमें परमिसिबल स्ट्रेस पता चलेगी, आप बहुत आसानी से आप निकाल सकते हैं बेटा। परमिसिबल बराबर क्या होगा? फोर्स अपॉन एरिया। एरिया क्या होगा सर? π/4d², है ना। तो आप बड़े आसानी से निकाल सकते हैं गाइस, फटाफट बताइए ना। अब मेरे को बताइए कितना आया? जी जी से 13.8 mm डायामीटर। और भी किसी का आया है? फटाफट बताओ, और भी किसी का आया है? ये 13.8 आया है, बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। सो गाइज, अगर मैं आपको बताना चाहूं, यू कैन सी दिस, यहां जो डाया हम लेते हैं, दिस डाया इज कोर डाया, ये जो डाया होता है दैट इज कोर डाया। और आप जब इसमें वैल्यू रखेंगे, यू कैन सी दिस, सिग्मा परमिसिबल फोर्स अपॉन π/4 कोर डाया का स्क्वायर, 4p अपॉन पाई सिग्मा परमिसिबल। p क्या होगा? 10 किलो न्यूटन। सिग्मा परमिसिबल क्या होगा बेटा? 66.67, ठीक ना। रूट ओवर हो जाएगा, ये आ जाएगा कोर डाया। द कोर डाया इज 13.8 mm। ये आया आई थिंक आप सभी लोगों का, इतना आ गया 13.8 mm। सो गाइज माय डियर फ्रेंड, यू कैन सी दिस। क्वेश्चन में कह रहा था साइज ऑफ द वोल्टेज, ना कि कोर डाया। कोर डाया नहीं पूछ रहा आपसे, साइज ऑफ द बोल्ट पूछने का मतलब हमेशा यही होता है बेटा, साइज ऑफ द बोल्ट पूछने का यही मतलब होता है कि वो हमेशा आपसे क्या पूछना चाह रहा है? नॉमिनल डाया। क्या पूछना चाह रहा है बेटा? नॉमिनल डाया, ध्यान रखिएगा। तो साइज ऑफ द बोल्ट अगर पूछ रहा है तो वो क्या पूछना चाहता है? नॉमिनल डाया, ठीक है ना। अब नॉमिनल डायामीटर कैसे निकलेगा? ये होगा, तो होता है कोर डाया डिवाइड बाई 0.84, ठीक है ना। ये फॉर्मूला होता है नॉमिनल डाया निकालने का कोर डाया से। आई थिंक आपने जब बोल्ट पढ़ा होगा तो आपने ये देखा होगा। सो गाइज आई थिंक 13.8 डिवाइड बाई 0.84। जरा मुझे बताइए व्हाट इज द नॉमिनल डायामीटर, व्हाट इज द नॉमिनल डायामीटर गाइस? 13.8 डिवाइड बाई 0.84, 16.42 या 16.42 mm, 16.42 mm। yes, I think you all are getting my point, yes or no? तो आपसे जब भी पूछा जाए साइज ऑफ द बोल्ट, ठीक है ना, आपको इस पे नहीं डरना नहीं है आई बोल्ट है, अरे भाई स्क्रूड किया गया क्या करेंगे, ना 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 बिल्कुल नहीं, ठीक ना। आपको बेसिक रूप से परमिसिबल स्ट्रेस अपना पता करना है, सेकेंड स्टेप आपको पता है स्ट्रेस होता है क्या, और यहाँ तुरंत वो लगा देना है, कोर डाया निकालना है, फिर नॉमिनल डाया निकाल लेना है आपको इससे, ठीक है ना। अपना ये ध्यान रखिएगा बस, ठीक है ना। आपको ये ध्यान रखना है कि नॉमिनल डाया जो होता है कोर डाया का 0.84 होता है, कोर डाया डिवाइड बाई 0.84। आर यू गेटिंग विद दिस? यस, वेरी गुड, आंसर इज 16.42। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, नॉमिनल डाया भी निकालना होता है, नहीं तो आपको गेट के एग्जाम में ये भी ऑप्शन होता है और ये भी ऑप्शन होता है, तो आपको फंसना नहीं है, फंसना नहीं है बिल्कुल भी, एकदम ध्यान रखना। हाँ, एक चीज और मैं आपको सलाह देना चाहूंगा जो कि बहुत कम ही बच्चों को शायद पता है, कि अगर ऑप्शन में 16.42 नहीं है तो जाहिर सी बात है, समझिएगा ध्यान से, ये मैंने आपको स्टैंडर्ड बताया है कि स्टैंडर्ड डाटा बुक से उठा के बताया है, अगर ऑप्शन में 16.42 नहीं है तो जाहिर सी बात है उसने फिर क्या किया है, उसने नॉमिनल डाया में कोर डाया डिवाइड बाई 0.8 ले लिया है, 0.84 ना लिख के 0.8 ले लिया है। जरा करिएगा, जरा मेरे को बताइएगा, कभी कभी नहीं होता है तो बच्चे सोचते हैं कि क्वेश्चन का आंसर गलत तो नहीं हो गया, तो गलत नहीं है आपका आंसर, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन जब जब ये नहीं होगा, सुनिएगा ध्यान से, तब तब अगर यह आंसर 16.42 नहीं है ऑप्शन में तो आंसर होगा 17.25, गारंटी होगा, गारंटी बता रहा हूं। तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में फंसता है, क्योंकि आता है बोल्ट का क्वेश्चन तो आता है, आप सभी को भी पता होगा बोल्ट का क्वेश्चन हर साल फंसता है बेटा, ये ऐसा टॉपिक है ना कि मतलब आप सोच सकते हो मिर्जापुर का सीक्वल 3 नहीं बनेगा, ठीक ना, बाहुबली 2 जितना इंपॉर्टेंट है, और आप सोच सकते हो उतना ही इंपॉर्टेंट बोल्ट टॉपिक है, ठीक है ना। बात समझने की कोशिश करिएगा इस चीज को, ठीक है ना। तो मेरे प्यारे भाइयों, अगर बात की वैल्यू रखा जाए तो भाई समझने की कोशिश कीजिएगा, बोल्ट का क्वेश्चन आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है ना। अगर क्वेश्चन एग्जाम में आता है, अगर ऑप्शन की बात करें मेरे प्यारे भाई, तो 16.42 नहीं है तो तुरंत आंसर 0.84 रख के चेक करो, 17.25 आएगा। इस चीज को ध्यान रखो, बहुत कम बच्चे ध्यान देते हैं, यही रीजन है कि फेल होते हैं, ठीक है ना। वहां वो घबरा जाते हैं कि नहीं मेरा आंसर गलत है, अरे नहीं मेरा आंसर ये हो सकता, अरे नहीं हो सकता। अगर NAT आता है, अगर ये क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस में आता है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, अगर ये MCQ क्वेश्चन है, ऑप्शन है, तो आप दोनों को चेक करिए, अगर ये है तो ठीक है, नहीं तो ये है तो ठीक है, कोई बात नहीं। अगर NAT आता है तो क्या करेंगे सर, क्योंकि NAT में तो हमें खुद भरना है, तो अपन करेंगे क्या, अपन हमेशा सत्य का सामना करेंगे, 16.42 लगा के आएंगे चाहे जो हो जाए, ठीक है ना। अपन 0.84 से ही डिवाइड करेंगे, ये बिल्कुल सत्य है, ये अल्टरनेशन है, ये अल्टरनेटिव है, ठीक है ना, ये अल्टरनेटिव है, ध्यान रखिएगा, ये अल्टरनेटिव है, ये 16.42 ये हमारा परफेक्ट आंसर है। देखिए बेटा, क्वेश्चन करते सभी बच्चे हैं लेकिन सीखते बहुत कम बच्चे हैं। आपको सीखना है तो अच्छी बात है, अगर सिर्फ एग्जाम में क्वेश्चन पढ़ना और फॉर्मूला रट्टा मार के आए वो करना है तो फिर वो अलग बात है। आप फॉर्मूला रट्टा मार के गए होगे कितना भी एग्जाम में ना, और ये सोचोगे अरे मैं देख लेता हूँ, लाइफ ऑफ पूछा है, अच्छा लोड दिया, अच्छा घंटा दिया, अच्छा इंक्रीज कर रहा, अच्छा कह रहा लाइफ बताओ, अच्छा फॉर्मूला लिख लिए सारा, फिर सोचते रहोगे अच्छा किसमें कौन सी वैल्यू रखें, यही होता रहेगा। सिर्फ सीधा सच्चाई बता रहा हूँ, फिर मतलब यहां से भी नहीं निकलेगा कि क्वेश्चन सही हो रहा है कि गलत हो रहा है, बस मजाक चल रहा है ऐसा लगेगा अगर रट्टा मार के गए हो तो। मैं सच्चाई बता रहा हूं, अगर आप फॉर्मूला रट के सीधे फॉर्मूले में पुट करना जानते हो ना तो वो वही होगा, ठीक ना। अब अगर चीजों को एक बार समझ गए ना, मैं कह रहा हूं चीजें कठिन नहीं है, कठिन कुछ भी नहीं है इस दुनिया में, ठीक है ना। कठिन कुछ भी नहीं है, मैं सच्चाई बता रहा हूँ। एक सिंपल सी बात कहता हूँ, आज इंडिया में सबसे ज़्यादा बात कर रहा हूँ बेटा, देखा जाता है क्रिकेट मैच, ठीक है ना। इंडिया में सबसे ज़्यादा क्रिकेट मैच देखा जाता है। मैं आपसे पूछता हूँ बेटा, जब आप बच्चे थे, एकदम छोटे थे, तो क्या आपको क्रिकेट समझ में आती थी? नहीं आती थी। लेकिन धीरे धीरे जब आपने उस चीज़ को जाना, उस चीज़ में घुसे, आपको सारी चीज़ समझ में आ गई। और आज क्रिकेट में आप मेरे से ज़्यादा आपको पता होगा क्रिकेट में कितने तरीके से आउट किया जाता है, कितने तरीके से क्या होता है। बहुत सारे बच्चों को, कुछ बच्चे तो परफेक्ट नॉलेजेबल होते हैं, मैं मानता हूँ, सीरियसली मैंने देखा है। तो मेरे प्यारे भाई, किसी बच्चे को फुटबॉल इसी तरीके से पसंद है। बेटा ये सब चीज़ें क्या है, आज मैं कहता हूं बेटा आप YouTube पे ये हो सकता है, अच्छा इस ऐप से ये हो सकता है, ऐसे ये कर सकते हैं। आपको नहीं पता था, आपने सीखा, आपको पता चला। आप ऐसा तो नहीं किया अच्छा 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 कॉल लगाना है तो सीधे गए उसको दबा दिए, कॉल लग गया, ठीक है ना। ऐसा तो नहीं ना करते हो, ऐसा तो नहीं ना सीखा है कि अच्छा फोन चलाना है, अच्छा इसको ऐसे दबा देंगे तो ये खुल जाएगा और ऐसे बात हो जाएगा और ऐसे दवा काट देंगे, इतना ही काम फोन का। नहीं, आपको ज़्यादा पता, आप ज़्यादा उसके अंदर जाते हो, इन्वॉल्व होते हो उस चीज़ों में। जब आप चीज़ों में इन्वॉल्व होते ना तो आपको उतनी ज़्यादा पता चलती है, अहमियत पता चलती है। लेकिन जब पढ़ाई की बात आती है तो आप वहाँ कंजूसी काटते हो कि ठीक है अच्छा फॉर्मूला, अच्छा ठीक है फॉर्मूला रख दो और आंसर मार दो। बेटा जब आपने एक गेम खेलना शुरू किया, आपने एक PUBG खेलना शुरू किया, ठीक है ना, उसमें इतना इन्वॉल्व हो गए तो उसको सीख लिया, तो ये क्या है? ये तो कुछ है ही नहीं फिर, यू कैन से दिस, ये तो कुछ है ही नहीं फिर। आप सोचो ना, सबसे टफेस्ट चीज माइंड का खेल, आप वहां इतने होशियार हो गए, तो ये भी तो माइंड का ही खेल है। पढ़ो ना, फील करो ना, आपको देखो, आपको कोई पीछे नहीं हटा सकता। लाइफ में सक्सेस होने का यही एक छोटा सा राज है कि आपको हर एक चीज के पीछे एक वजह पता होनी चाहिए। हमको क्यों करना है, हम क्यों कर रहे हैं क्वेश्चन, हमें नंबर लाना है? नहीं, हमें इस सब क्वेश्चन से कुछ सीखना है। अगर लाइफ में कुछ यूज हुआ, हम किस बात के इंजीनियर हैं? इस चीज़ों को सोचो बेटा, फील करो अपने, कहते हैं ना, अपने चीज़ों में परफेक्ट आप कैसे बनोगे। देखो आप क्वेश्चन में पढ़ रहा हूँ, क्वेश्चन को देखना कितने तरीके से फील करते हैं। कह रहा लाइफ ऑफ टेपर रोलर बियरिंग। सर हमको तो पता ही नहीं है टेपर रोलर बियरिंग कैसा होता है। ठीक है, नहीं पता है। मैं आपको जब बियरिंग पढ़ाता हूँ तो बहुत टाइप के बियरिंग पढ़ाता हूँ, मैं टेपर रोलर बियरिंग भी पढ़ाता हूँ, ठीक है ना, जो टेपर साइड का शेप का होता है, ऐसा होता है, उसका जो रोलर होता है ना वो टेपर शेप का होता है, ठीक है ना, ऐसे रोलर्स होते हैं, ठीक है ना, समझिएगा ध्यान से। अच्छा टेपर रोलर, अब मेरे को नहीं पता क्या है, बस मेरे को पता है कि मेरे को ये पता है बेटा, यहां बात किया जा रहा है किसका, लाइफ किसका, बियरिंग का, ठीक है। अब देखो एक बियरिंग का लाइफ, ठीक है, एट ए लोड ऑफ 10 किलो न्यूटन। कह रहा है एक बियरिंग पे, आई डोंट नो अबाउट ये टेपर रोलर बियरिंग है क्या, हटाओ इसको, हमको नहीं पता, छोड़ो। एक बियरिंग का लाइफ अगर 10 किलो न्यूटन लोड उस बियरिंग पे लग रहा है, मतलब कोई एक बियरिंग है, बियरिंग क्या होता है, शाफ्ट के एंड में लगता है, फील करो क्वेश्चन को, शाफ्ट के एंड में लगता है। अब एक बियरिंग है, बियरिंग पे 10 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है, तो बियरिंग पे तो लोड लगता नहीं है, शाफ्ट पे लोड लगता है, और ये शाफ्ट का लोड बियरिंग को ट्रांसमिट होता है। जैसे हमारा घर है, घर में 2 पिलर है, पिलर पे बीम पे लोड जाता है, ठीक है ना, दीवार पे लोड पूरा नहीं आता, बीम पे लोड जाता है, पिलर पे ट्रांसमिट होता है, ठीक है ना। तो लाइफ ऑफ द बियरिंग एट द लोड, मतलब हम उस बियरिंग पे 10 किलो न्यूटन का लोड लगाए बैठे हैं, तो उसका लाइफ है 27,000 घंटे। मतलब आप सोचो, एक शाफ्ट है मेरे पास, आप फील करो इस क्वेश्चन को, एक शाफ्ट है मेरे पास और इस शाफ्ट पे दोनों साइड में एक बियरिंग लगे हुए हैं, इस शाफ्ट में दोनों साइड पे क्या लगे हुए हैं डियर, इस शाफ्ट में दोनों साइड पे बियरिंग लगे हुए हैं। अब अगर मैं कह रहा हूं यहां मैं 10 किलो न्यूटन का लोड लगा रहा हूं, यहां मैं 10 किलो न्यूटन का लोड लगा रहा हूं, तो कह रहा है कि इस बियरिंग का लाइफ 27,000 घंटा है। ये जो बियरिंग है, ये जो बियरिंग है, इसका लाइफ कितना, 27,000 घंटा। मतलब ये शाफ्ट 27,000 घंटे चल सकती है। ये शाफ्ट कितने घंटे चल सकती है, 27,000 घंटे। ठीक है ना, एक दिन में 24 घंटा होता है, सोच लो कितना दिन चलेगी, आप ये भी पता कर सकते हो। मतलब इंसान को देखो, अब जैसे मैं कह रहा हूं कि लेट अस सपोज कि मेरे पास, समझने की कोशिश कीजिएगा जस्ट अ सेकेंड, जैसे कि मैं कह रहा हूं बेटा मेरे पास एक कैलकुलेटर है, मैं इसको देख के बता सकता हूं, इसके अंदर का सारा कैलकुलेशन करके बता सकता हूं इसकी लाइफ कितनी है। मेरे पास ये बियरिंग है, मैं इसको देख के बता सकता हूं तू 27,000 घंटे चलेगा। वाह, ब्यूटी ऑफ इंजीनियरिंग यही तो है कि किसी भी चीज को रखे रखे उसका लाइफ पता कर देता है। अगर 10 किलो न्यूटन का लोड लगाया 27,000 घंटे चलेगा। कह रहा है द लोड इज इंक्रीज, कह रहा है अब इस पर 10 की जगह हम 10 नहीं लगाया, हम लगाएंगे 30 किलो न्यूटन। कह रहा सब कुछ सेम है बस लोड बढ़ा दिया, तो उसका लाइफ क्या होगा। अब मेरे को जरा फील करके बताओ, एक कॉमन सा चीज मेरे को फील करके बताओ, लाइफ बढ़ जाएगा कि घट जाएगा। मेरे को फील करके बस ये बताओ लाइफ बढ़ जाएगा कि घट जाएगा। यार अगर मैं कह रहा हूं बेटा किसी चीज पे कम लोड लगाओगे तो वो ज्यादा दिन चलेगा, अगर ज्यादा लोड लगाओगे तो कम दिन चलेगा, उसकी लाइफ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। कॉमन सेंस है यार। किसी ब्रिज पे देख लो, इंसान ने ब्रिज बनाया, किसी भी चीज पे देखो, ठीक ना, किसी भी चीज की बात करो, अगर आप एक्सेस अमाउंट उस पर फोर्स लगाओगे तो उसकी लाइफ क्या होती है, घटती है। तो कॉमन सेंस है उसकी लाइफ क्या होगी, 27,000 घंटे से बहुत ज्यादा कम हो जाएगी, ठीक है ना। अब सुनो मेरी बात, अब डायरेक्टली ऐसे नहीं बोल सकते कि 10 किलो न्यूटन पे 27,000 तो 30 किलो न्यूटन पे, ऐसे नहीं होता है। ऐसा जिंदगी में कभी मत सोचना कि इतनी आसानी से आएगा आंसर, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से, अब जाहिर सी बात है इसने बोला है क्या, टेपर रोलर बियरिंग है, ओके। अब यहां हमारा एक फॉर्मूला लगेगा, बट यहां तुम्हें एक चीज सीखने को मिला। अब इन हाँ लाइफ इज डिक्रीजेस, वेरी गुड। लाइफ क्या हो जाएगी, लाइफ क्या हो जाएगी, अगर आप यहां से एक थ्योरी पॉइंट पता चला कि लोड इंक्रीज करोगे लाइफ डिक्रीज होगा। किसी भी, जरूरी नहीं है बियरिंग, बियरिंग इज ए मशीन एलिमेंट, एलिमेंट बोले तो लिंक, मशीन के बीच में एक छोटा सा पार्ट है, ठीक ना। लोड बढ़ाओगे उसका लाइफ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये बेटा ये कहीं भी वैलिड है, ये बेटा कहीं भी वैलिड है, यू कैन सी दिस, ठीक है ना। तो बेटा अगर मैं बात करना चाहूँ लाइफ का तो कैसे देखेंगे सर, इसका एक फॉर्मूला है, कॉमन सेंस है कि फॉर्मूला होगा, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, आंसर लाएंगे। कितना आंसर आया बेटा, जी कह रहे हैं 693.36, देख लो बिल्कुल करेक्ट आंसर लाया बच्चा कि 30 किलो न्यूटन पे 693 लोड, 693 घंटे बस जिंदा रहेगा। तो व्हाट इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस, समझे। मेरे को नहीं पता कि बीच में फॉर्मूला क्या लगेगा, वेट करो मैं सब बताऊंगा, सब बताऊंगा। अब सुनो सर, लाइफ का एक बहुत खतरनाक फॉर्मूला है, C/P⁴n। सर C/P⁴n, वाओ, बिल्कुल देखिएगा ध्यान से, अब समझिएगा ध्यान से कि अगर मैं कहता हूं लाइफ, समझिएगा गाइज लाइफ की बात करता हूं, ये n क्या है सर, n होता है हमेशा देख के चलते हैं, ये है रोलर बियरिंग। अगर n की बात करूं तो n होता है हमारा 10/3, मतलब जब हमारा बॉल बियरिंग होता है ना, क्वेश्चन में जब बॉल बियरिंग दिया है तो पावर में 3 और रोलर बियरिंग दिया है तो पावर में। अब तुम कहोगे ये क्यों होता है बेटा, इसी के पीछे तो कई सारे रिसर्चर ने अपनी जान गंवा दी, ये सब ढूंढने के चक्कर में ही तो की। तुम्हें तो सैल्यूट कहना चाहिए उनको कि जिनके वजह से तुम आज कैलकुलेट कर पा रहे हो घर में बैठे बैठे, ठीक है ना। तो एन का वैल्यू क्या होगा बेटा, लाइफ का फॉर्मूला एल फॉर लाइफ होता है, C/P⁴ क्या होगा, 10/3, ठीक है ना। ये 10/3 होगा, क्यों, क्योंकि भैया ये क्या लिखा है, देखो ना ध्यान से ये क्या लिखा है, रोलर बियरिंग, ठीक ना, ध्यान रखिएगा। सो मेरे प्यारे भाइयों आप देख सकते हैं इनवर्स में है, आराम से आप कर सकते हैं, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, बड़े ही आराम से आप यहां आंसर कर सकते हैं। इज दैट क्लियर, इज दैट क्लियर डियर, क्लियर है। चलो अब देखो इन सब क्वेश्चंस को हम लोग कैसे करते हैं। सर बहुत आसान है क्या बेटा, देखिए L फॉर लाइफ, लाइफ क्या है सर, लाइफ तो 27,000 है, बिल्कुल सर लोड क्या है? सर दिस इज द लोड, पीई, पीई इज द लोड होता है बेटा, समझिएगा। आपको अब मैं समझाता हूं, अगले पेज पे चलते हैं। L फॉर लाइफ, C अपॉन पीई टू पावर 10/3। ओके, सो यू कैन सी दिस कि L जो है हमारा कितना है बेटा, अगर मैं पहले केस की बात करूं 27,000। बेटा घंटे वाला जो फॉर्मूला होता है ना बहुत बड़ा होता है, तो उसमें डिवाइड बाई 60 n ये सब किया जाता है, ध्यान रखिएगा। उसमें डिवाइड बाई 60 n ये भी किया जाता है, बट हमें यहाँ 60 n नहीं करना है, ध्यान रखिएगा। यहाँ हमें 60 n नहीं करना है, क्यों? क्योंकि वो कट ही जाएगा, कॉमन सेंस, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। 27,000 इज इक्वल टू सी अपॉन 27,000 था तो लोड था 10। ओके, इज दैट क्लियर? नाउ अब कह रहा बेटा एल की वैल्यू बताओ जब हमारा लोड है 30 किलो न्यूटन। बात समझे? हमारे पास दो इक्वेशन है, ठीक है ना, हमारे पास ये दो इक्वेशन है। अब हमें इनको सॉल्व करना। सो मेरे प्यारे भाइयों बहुत आसान है, देखते रहो ध्यान से बस कैसे सॉल्व करें। अरे भाई डिवाइड कर दो, खत्म कहानी, ठीक है भाई, डिवाइड कर दो, आंसर ले आओ। तो डिवाइड कर देते हैं, क्या दिक्कत है। डिवाइड बाई एल। अब देखो ये 10^3 कॉमन सेंस, अब ये डिवाइड होगा तो सी अपॉन 10, ये उल्टा डिवाइड हो जाएगा 30/c तो पावर 10/3। ओके, इससे ये, इससे ये, ध्यान रखिएगा। यहां से आप सॉल्व करके बड़े आसानी से एल निकाल सकते हैं, द वेरी इजी, ठीक है ना। लाइफ यहां से निकल जाएगी बेटा, 693 आवर आएगा, ठीक है ना। तो गाइज आपको शायद यहां से पता चल गया, एक सिंपल से फॉर्मूले से आप इसका फिजिकली समझ सकते हो कि 10 किलोमीटर से 30 किलोमीटर जब लेकर गए, रोलर बियरिंग है तो इसकी लाइफ 27,000 से सीधे 693 हो जाएगी। इज दैट क्लियर? ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखो। 2 consecutive helical spring with a spring constant of 250 Newton mm and 150 Newton mm when subjected to load of 1800 Newton will deflected by। फटाफट आंसर बताओ, तब तक मैं पानी पीता हूं। चलिए, या वेरी गुड जी जी, 4.5, वेरी गुड। फोर पॉइंट फाइव इज द राइट आंसर। अब देखो ध्यान से ये आंसर आया कैसे, ठीक ना। अब ये 4.5 आया कैसे, इसकी बात करते हैं। करेक्ट, 2 concentric हेलिकल स्प्रिंग विद अ कांस्टेंट स्टिफनेस आपको दिया हुआ है बेटा। आपको K1 इज गिवन दैट इज 250 एंड K2 इज गिवन दैट इज 150 न्यूटन पर एमएम। ओके, नाउ व्हेन सब्जेक्टेड टू ए लोड ऑफ 1800 न्यूटन, यहां जो लोड है हमारा, ये हमारा टोटल लोड है बेटा, ध्यान रखिएगा, दिस इज द टोटल लोड। अगर मैं कह रहा हूं K1 अगर है तो इसका लोड P1 होगा, इसका लोड P2 होगा। समझिएगा ध्यान से, इसका लोड P1 होगा, इसका लोड P2 होगा। तो दिस इज द टोटल लोड P1 प्लस P2 दैट इज 1800 न्यूटन। दैट इज 1800 न्यूटन। P1 प्लस P2 इज इक्वल टू 1800 न्यूटन विल डिफ्लेक्टेड बाय, कितना का डिफ्लेक्शन होगा। सो मेरे प्यारे भाइयों यहीं से अपन क्वेश्चन स्टार्ट कर देते हैं। देखो ध्यान से, बस करना क्या है, मैं इसमें से P2 कॉमन कर लेता हूँ। P2 जब कॉमन करेंगे तो यहाँ आ जाएगा P1 बाई P2, यहाँ आ जाएगा +1, ये आ जाएगा 1800। ओके ना भाई मेरे, यहाँ देखना ध्यान से, बहुत आसान चीज है। क्या सर, थोड़ा सा मैं इसको हटा दूं, ध्यान से देखना समझना बेटा। फोर्स स्टीफनेस क्या होता है, फोर्स पर यूनिट डिफ्लेक्शन, हाँ या ना। तो स्टीफनेस इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट डिफ्लेक्शन होता है। तो गाइज मैं पर यूनिट डिफ्लेक्शन में देखना चाहूं तो स्टीफनेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, फोर्स। स्टीफनेस और फोर्स अगर मैं बात करना चाहूं P1 बाई P2 तो मैं ये डायरेक्ट कह सकता हूं क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पर यूनिट डिफ्लेक्शन में। तो बेटा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो P1 बाई P2 इज इक्वल टू K1 बाई K2 हम कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। क्यों, क्योंकि भैया यहाँ जो स्प्रिंग है वो 2 कंजिक्यूटिव हेलिकल स्प्रिंग है। तो भाई डिफ्लेक्शन पर यूनिट डिफ्लेक्शन कोई फर्क नहीं पड़ता, तो रेशियो जो होगा इसका सेम होगा। सो दिस इज 250/150, ठीक है ना। अब ध्यान से देखो, बिल्कुल ध्यान से देखो K1 बाई K2। सो गाइज आप देख सकते हो, यहाँ से आपको एक चीज समझ में आया होगा कि ये जो हमारा रेशियो है, ये जो हमने अभी किया है यहाँ, तो P1 बाई P2 की जगह हम वैल्यू रख सकते हैं। तो P1 बाई P2 की जगह क्या आएगा, 250/150। +1 इज इक्वल टू 1800। सो मेरे प्यारे भाइयों यहां से आप P2 निकाल सकते हैं, P2 निकाल सकते हैं। जरा बताइएगा कितना आया। या वेरी गुड डियर, $675, 675 न्यूटन। अब मैं कह रहा हूं बेटा आपका P2 आ गया। अगर आपको P1 चाहिए तो आप P1 भी निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है, P1 भी निकाल लो। हाँ मैं कह रहा हूं मेरे को क्या चाहिए भैया, डिफ्लेक्शन चाहिए। भैया P2 पता है, K2 पता है, बता दो डिफ्लेक्शन, बता दो डिफ्लेक्शन। देख लो ध्यान से, P2 पता है, K2 पता है, बता दो डिफ्लेक्शन। तो डिफ्लेक्शन क्या होगा, डिफ्लेक्शन इज फोर्स पर यूनिट स्टीफनेस। एक सेकेंड, फोर्स पर यूनिट स्टीफनेस P2 इज 675 डिवाइड बाई K2 इज 150। That is 4.5 mm, ठीक है ना, ध्यान रखिए। सो द आंसर इज 4.5 mm। दिस इज अ वेरी इजी क्वेश्चन, ध्यान रखना गाइज। लेकिन अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो ये बहुत गलत किया आपने, ये क्वेश्चन सब प्रैक्टिस में होना चाहिए आपके, ठीक ना। यू कैन से दिस, देख लो। चलो 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 द नेक्स्ट क्वेश्चन, आ जाओ आ जाओ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत बवालिया क्वेश्चन है ये, बहुत बवालिया क्वेश्चन है। यू कैन सी दिस कि हम लोग देखते हैं भाई मशीन डिजाइन आए और सॉफ्ट की कपलिंग से क्वेश्चन ना पूछा जाए, जिसके अंदर की हमारा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, और वो ना पूछा जाए तो आपको समझ में आना चाहिए कि कितनी बड़ी बेइज्जती है मशीन डिजाइन की। तो मेरे प्यारे भाइयों की का क्वेश्चन जो है एक से बढ़ के एक आपके सामने आ रहा है। यू कैन सी दिस द स्टैंडर्ड क्रॉस सेक्शन ऑफ द फ्लैट की which is fitted on the 50 mm diameter shaft is 16 mm into 10 mm. This is the dimension of key. The key is transmitted 400 Newton meter torque from the shaft up to the hub. The key is made of the commercial steel जिसका SYC मतलब आपको yield compressive strength दिया हुआ है, क्योंकि की पे compressive strength और shearing, की का 2 failure होता है, shearing और crushing, ध्यान रखिएगा। 220 Newton per mm square है। तो क्वेश्चन में कह रहा है what is the length of the key। देखो बेटा इसका एक शॉर्ट ट्रिक भी है कि लेंथ ऑफ द की निकालने का फॉर्मूला भी होता है एक शॉर्टकट, ठीक ना। अगर आप चाहो तो वो लगाओ, लेकिन बेटा उससे आपका करेक्ट आंसर नहीं आएगा, नियरली अबाउट आएगा, वो मैं अभी आपको बताऊंगा क्या होता है, ठीक है ना। बट मैं चाहता हूं आप इस क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करो, देन उसके बाद आंसर बताओ मुझे। यस, जल्दी से जल्दी बताओ, बहुत आसान है। अगर आप सही तरीके से करते हो तो आपके लिए सीरियसली बहुत आसान क्वेश्चन है। बेटा कंप्रेसिव स्ट्रेस दिया है तो क्रशिंग का फॉर्मूला लगाओ, क्रशिंग का फॉर्मूला लगाओ, हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से बताइए। कमल सेज 280। कमल, दिस इज द लेंथ। कमल लेंथ पूछा है, लेंथ बेटा। मैं इसको करता हूं, ठीक है। चलो आंसर बताओ मुझे। कमल 280 इज रॉन्ग आंसर। देखो बेटा, मैं आपको एक छोटी सी चीज समझाता हूं, तीन चीजें होती हैं। देखो, मैं क्वेश्चन आप लोग करते रहो, मैं आपको कुछ चीजें समझाता हूं एक्स्ट्रा, समझिएगा ध्यान से। एक होता है थ्योरी, किसी भी सब्जेक्ट का थ्योरी। थ्योरी में ही होता है क्या, कॉन्सेप्ट। फिर होता है क्वेश्चन प्रैक्टिस, ठीक है ना। एक होता है फॉर्मूला, समझिएगा ध्यान से। अगर मैं बात करना चाहूं कि किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने में ये चार चीजें ही होती हैं, थ्योरी सब्जेक्ट की, सब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट, न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट, फॉर्मूले का कॉन्सेप्ट, सारा कॉन्सेप्ट, क्वेश्चन की प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा, और फॉर्मूला। तो अगर मैं बात करना चाहूं किसी भी एग्जाम को निकालने के लिए सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है ना मेरे भाई, मैं आपको वही चीज बताने जा रहा हूं। किसी भी एग्जाम को निकालने के लिए सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है ना मेरे भाई, वो है क्वेश्चन प्रैक्टिस। आप इसको जितनी जल्दी समझ जाओ वो ज्यादा बेटर है, ठीक है ना। सर थ्योरी ना पढ़े, नहीं ऐसा नहीं बोला मैंने। गेट का एग्जाम अब आ गया है, अब तुम थ्योरी पढ़ने जा रहे हो, तुम खुद का गला घोंट रहे हो, या आप कह दो कि गेट 2022 की तैयारी कर रहे हो, ये मत कहो गेट 2021 की तैयारी कर रहे हो। अगर अभी भी तुम थ्योरी पढ़ने बैठे हो तो, क्योंकि अब तुम थ्योरी पढ़ने बैठे हो तो अब हमें नहीं लग रहा कि अब तुम थ्योरी पढ़ के कुछ बड़ा कर पाओगे, ठीक है ना। तो मेरे प्यारे भाई, एट दिस टाइम अगर आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हो तो आपको क्या क्या पता चलता है। क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने से फॉर्मूला पता चलता है, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने से आपको कॉन्सेप्ट भी उसी के अंदर पता चलते हैं, ठीक है ना। और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने के साथ साथ आपको थोड़ा बहुत थ्योरेटिकल चीजें भी पता चलती रहती है। बट दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल, दैट इज द क्वेश्चन प्रैक्टिस। अगर आप ये चीज नहीं समझ पा रहे हो, कोई बात नहीं, आपका रिजल्ट आएगा, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा, आपका रिजल्ट आपको समझाएगा बेटा, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। जो बच्चे इस सीरीज को मतलब सीरियस नहीं ले रहे हैं ना, मैं सीरियसली बता रहा हूँ, कुछ बच्चे इस सीरीज को बिल्कुल सीरियस नहीं लेते हैं, वो उसको ना रिकॉर्डेड में बैठ के देखते हैं। अरे भाई रिकॉर्डेड में हम 2 बजे रात में बैठ के देखेंगे ताकि कोई कुछ करे ना। अरे मेरे भाई, तुम रिकॉर्डेड देख के क्या कर रहे हो? रिकॉर्डेड देख के कोई फायदा नहीं है। आप जब मेरे को बता ही नहीं रहे हो अपना प्रॉब्लम, तो आप रिकॉर्डेड देख के सीधा क्वेश्चन और उसके उसका कॉन्सेप्ट रट रहे हो। आपके सामने ये क्वेश्चन है, अच्छा ऐसा ऐसा क्वेश्चन, अच्छा सर ने इसके नीचे ये किया, मैं भी ये कर लेता हूँ, ठीक ना। अगर आप रिकॉर्डेड देख रहे हो तो मैं आपको एक सलाह दूंगा, अगर आपकी मजबूरी है रिकॉर्डेड देखना तो क्वेश्चन जब आता है तो क्वेश्चन पे वीडियो पॉज कर दो और पहले खुद करो, देन आप यहाँ देखो, ठीक ना, ध्यान से। अगर आप रिकॉर्डेड नहीं देखते हो तो ज्यादा बेटर है, ठीक ना। अगर आप रिकॉर्डेड देखते हो तो खुद का गला घोंटते हो, क्योंकि आपके सामने आंसर रहता है, आप सीधा आंसर ही देख लोगे तो फिर कहाँ सॉल्व कर पाओगे। पहले खुद से सॉल्व करो, ठीक ना। ये सारी चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है भाई, ठीक ना। किसी भी एग्जाम को निकालने के लिए आपको पहले इन सब चीजों के बारे में पता होना चाहिए। अगर आप इन सब चीजों से अवेयर नहीं हो तो भैया बेकार मेहनत कर रहे हो, कुछ नहीं होने वाला, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। चलिए, द क्वेश्चन इज व्हाट, क्वेश्चन कह रहा है भैया स्टैंडर्ड क्रॉस सेक्शन ऑफ द फ्लैट की विच इज फिटेड 50 mm डायामीटर। भैया की का डायामीटर दिया है, हाँ 60 mm डायामीटर ऑफ साफ्ट दिया। की का डाया क्या देगा भाई? साफ्ट का डाया देगा ना, ठीक है ना। कितना होता भाई? डायामीटर ऑफ द साफ्ट इज 50 mm, ठीक है। और की का हमारा डायमेंशन ये दिया है। अगर हमसे की का लेंथ पूछ रहा है तो जाहिर सी बात है ये विड्थ और ये थिकनेस होगा, ये विड्थ होगा और ये हाइट होगा या थिकनेस, आप जो बोलना चाहो। 16 mm, LBH होता है ना, B और H होगा। ये 10 mm। द की इज ट्रांसमिटेड 400 न्यूटन मीटर टॉर्क। टॉर्क इज 400 न्यूटन मीटर, ठीक है ना। फ्रॉम द शाफ्ट ऑफ द हब। द की इज मेड ऑफ द कॉमर्शियल स्टील, SYC दिया हुआ भाई, कोई बात नहीं। दिस इज द 220 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ना क्वेश्चन इज व्हाट इज द लेंथ ऑफ द की, ठीक है ना। देखो हमारे सामने अगर बात करना चाहूँ, हमारे सामने ये सारे डाटा गिवन हैं एंड यू कैन सी दिस कि अगर कोई की है, पीछे की ओर अगर मैं बात करना चाहूँ, ठीक है ना, तो ये हमारा, आप मान लो ये B है और ये हमारा H है, ठीक है। ये हमारा B है, ये H है, यू कैन सी दिस। और पीछे की ओर क्या है बेटा? पीछे की ओर ये है L, लेंथ। सो माय डियर फ्रेंड, यू कैन सी दिस कि दिस इज द की, ये हमारा की पोर्शन है और शाफ्ट का हमें डायामीटर गिवन है। चलिए सर, कैसे करेंगे सर? आइए देखते हैं सर। टॉर्क क्या होता है, एकदम बेसिक रूप से समझते हैं। देखिए टॉर्क क्या होता है सर? फोर्स इनटू रेडियल डिस्टेंस, ओके। ये फोर्स कहां से लाएंगे सर? स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। बिल्कुल, ये फोर्स कहां से लाएंगे? स्ट्रेस इनटू एरिया। बिल्कुल, देख लो हर एक चीज सही तरीके से अगर मैं रखूं तो मुझे पता चला। दिस इज द टॉर्क एंड टॉर्क इज इक्वल टू स्ट्रेस। स्ट्रेस जो कि हमारा क्या दिया है? स्ट्रेस जो कि हमारा क्या दिया? SYC, सिग्मा मान लो उसको, ठीक है ना। सिग्मा इंटू एरिया इंटू R। सो मेरे प्यारे भाइयों, दिस इज द रेडियस ऑफ शाफ्ट, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से, अब यहां से हमें क्वेश्चन को करना है। टॉर्क हमारा क्या दिया है बेटा? 400 न्यूटन मीटर। अब देखो ये सारा डिस्टेंस किसमें? mm में, वो मीटर में है। तो एक काम करो, इसको mm में कर लो, ठीक है भाई, कर लिया mm में, ओके। नाउ सिग्मा क्या है सर? 220। नाउ एरिया क्या है सर? व्हाट इज द एरिया? व्हाट इज द एरिया सर? एरिया ऑफ द की इज B इंटू H। एरिया ऑफ द की। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, यहां ना ये क्रस हो रहा है, यहां क्या हो रहा है बेटा, क्रस हो रहा है। यहां अब एरिया को समझना बेटा, जब भी क्रस हो रहा है, क्रस कैसे हो रहा है कैसे पता सर, बेटा देखो ना क्वेश्चन में कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऐसे ही थोड़ी ने दिया है, क्रसिंग हो रहा है, तो यहां क्रसिंग हो रहा है बेटा, तो जाहिर सी बात है एरिया जो हम लोग लेते हैं वो ये पार्ट लेते हैं। क्रस जब होता है ना तो 50% क्रस हो जाता है, और हम ये लेते हैं h/2 इंटू बी, सो एरिया इज बी इंटू h/2। ओके नाउ मेरे प्यारे भाइयों, ये रेडियस ऑफ द शाफ्ट नहीं लेंगे, ये थोड़ा सा मुझसे यहां से गलती हुआ है, ठीक ना, हम जो टॉर्क लेंगे ना, ध्यान समझने की कोशिश कीजिएगा, बिल्कुल देखिए ध्यान से, ठीक है। चलो सो बेटा यहां हम टॉर्क की बात करेंगे ना, अच्छा सीधे जाओ, टॉर्क अगर हम लेंगे तो टॉर्क हम शाफ्ट का नहीं की का लेंगे ना, बिल्कुल बी इंटू, एक सेकेंड, सॉरी ये गलती हो गई, दिस इज द एल इंटू h/2, या दिस इज द एल ना, सही है ना, एल इंटू h/2, ठीक है। ठीक है, हाँ यहां फिर ये रेडियस ही होगा, बिल्कुल है रेडियस ऑफ शाफ्ट होगा, बिल्कुल ठीक है। तो गाइज यहां से आप ये रख सकते हैं रेडियस ऑफ शाफ्ट, तो आप यहां से आंसर निकालिए जरा, एल की वैल्यू निकाल दीजिए जरा, ये h/2 क्या होगा, 10/2 5 हो गया, और रेडियस ऑफ शाफ्ट क्या होगा, 25, ठीक है ना। तो आई थिंक यू कैन सी दिस, इस क्वेश्चन को और आगे लेकर चलें, 400 into 1000 is equal to 220 into L into h/2 बोले तो 5 into d/2 बोले तो 25, ठीक है। तो यहां से L जरा निकालिए बेटा, L कितना आया बता दीजिए, $14.54 is the right answer. $14.54 is the right answer, dear. ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, जब भी क्रसिंग होता है ना तो ये पूरा एरिया क्या होता है, 50% क्या होता है, क्रस हो जाता है, और ये अंदर की ओर क्या होता है, दब जाता है। तो हमारा एरिया जो होता है ना, फेलियर एरिया ये होता है, ये जो स्केच पोर्शन है ना, दिस इज माय फेलियर एरिया, ठीक ना, और वही हमने यहाँ लिया है। और ये टॉर्क के लिए तो रेडियस ऑफ शाफ्ट लेते ही हैं, ठीक ना। तो यू कैन सी दिस की लेंथ आगे। अब देखो मैं आपको कह रहा था ना, इस क्वेश्चन को एक लाइन में भी किया जा सकता है, बट इसका आंसर थोड़ा बहुत आगे पीछे आएगा, ये मैंने आपको बताया था ना। मैं आपको बताता हूँ कैसे वो चीज कैसे पॉसिबल होता है। वो चीज पॉसिबल ऐसे होता है बेटा कि 1.25 ऑफ द थिकनेस ऑफ द 1.25 ऑफ द थिकनेस ऑफ द की, आप कर लो, लेंथ का पता चल जाएगा। तो जब थिकनेस की बात करते हो, थिकनेस क्या है 10, इसका 1.25 टाइम्स करो कितना आएगा, 12.5 आ जाएगा। और आपका आंसर देखो क्या आया, 14.5 आया, आपका वहां से आंसर आ जाएगा 12.5। वो एक फॉर्मूला होता है, वो आपका मतलब डिजाइन डाटा बुक में अगर गिवन नहीं होता है तो हम लोग डायरेक्ट वही रख देते हैं। तो आई थिंक आप वहां से करोगे 12.5 आएगा आंसर, बट रियल आंसर इज 14.54। इसलिए मैं कहता हूं वहां से मत करो, अपने तरीके से करो, तुम सही कैलकुलेट करो, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कभी एग्जाम में कभी जल्दीबाजी हो रही है, बहुत जल्दी है और ये क्वेश्चन आ गया है और मेरे पास 30 सेकेंड है क्वेश्चन करने के लिए, 30 सेकेंड या 20 सेकेंड है क्वेश्चन करने के लिए, तो आप तुरंत दिमाग लगा सकते हो। अच्छा ये तो 1.25 ऑफ थिकनेस होता है, ठीक है भाई, 10 इंटू 1.25 12.5 के बराबर होगा। देखोगे आसपास में, देखोगे भटकता हुआ अगर एमसीक्यू होगा, अगर मान लो भटकता हुआ एमसीक्यू है तो तुरंत आप 14.5 पे लगा के टिक मार के निकल जाओ। अगर नहीं है, लेटर सपोज नहीं है, NAT क्वेश्चन है, मतलब फिल करने वाला क्वेश्चन है, तो 12.5 में एक या डेढ़ जोड़ के आगे ही लिखा करो, मतलब सोच लिया करो एक दो जोड़ दो आगे, थोड़ा सा बड़ा लिखा करो उससे, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा लिखा करो, आपका आंसर अपने आप सटीक बैठ जाएगा। अब मान लो अगर बैठ गया ना तो 2 नंबर का क्वेश्चन सही हो जाएगा, ठीक है ना। यू कैन सी दिस नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो एक एक पॉइंट जरूरी है सिलेक्शन लेने के लिए, एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है आपके सिलेक्शन में। सो मेरे प्यारे भाइयों ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ए सर्कुलर शाफ्ट 50 mm इन डायमीटर इज वेल्डेड। गाइस ये जो क्वेश्चन है दिस इज द वेल्डिंग, ये वेल्डिंग का क्वेश्चन है। इज वेल्डेड टू सपोर्ट बाय अ मींस ऑफ द सर्कमफ्रेंशियल फिलेट वेल्ड, ठीक है ना। इट इज सब्जेक्टेड टू टॉर्सनल मूवमेंट दिया है बेटा 2500 न्यूटन मीटर। व्हाट इज द मिनिमम साइज ऑफ वेल्ड इफ द परमिसिबल शियर स्ट्रेस इज दिस। टॉर्सनल मूवमेंट गिवन है, परमिसिबल शियर स्ट्रेस गिवन है, अरे बाबा वाह, ये तो सब गिवन दे दिया है और पूछ रहा है मिनिमम साइज ऑफ द वेल्ड। अरे भाई बहुत आसान है, लगा दो तुरंत, सारा फॉर्मूला तुम्हें पता होता है। देखो ध्यान से, सारा फॉर्मूला लगा दो आंसर आ जाएगा, ठीक ना। ध्यान से लगा दो आंसर आ जाएगा बेटा। टॉर्क दिया है, देख लो ध्यान से, देखिए ध्यान से, यू कैन सी दिस गाइज कि यहां हमें शियर स्ट्रेस गिवन है, टॉर्सनल मूवमेंट गिवन है, ठीक ना। दिमाग लगाओ, टॉर्सनल मूवमेंट क्या होता है? सर फोर्स इंटू रेडियल डिस्टेंस। अरे भाई पीछे देखो ना, टॉर्क क्या होता है? फोर्स इंटू रेडियल डिस्टेंस। फोर्स क्या होता है? स्ट्रेस इंटू एरिया। वहां स्ट्रेस की जगह कौन सा स्ट्रेस है? वहां स्ट्रेस की जगह शियर स्ट्रेस है। बस मान लो टॉर्सनल मूवमेंट दिया है, दिस इज द फोर्स इनटू एरिया, सॉरी फोर्स इनटू रेडियल डिस्टेंस। अब रेडियस के लिए दिया तो है डायमीटर, है ना। टॉर्क बराबर फोर्स क्या होगा? शियर स्ट्रेस इनटू एरिया इनटू रेडियस ऑफ शाफ्ट, है कि नहीं, है कि नहीं? जरा देखो ध्यान से, अगर मैं गलत कर रहा हूं तो मुझे बताना। रेडियस ऑफ शाफ्ट, बस लगा दो यार आंसर आ जाएगा। वेल्डिंग का एरिया क्या होता है? 0.707 SL टाउ, याद आ रहा है? SL 0.707 SL, ठीक है ना। और भी कुछ दिया होगा यार, एक दो चीजें तो और गिवन होनी चाहिए। द डायमीटर, सर्कुलर डायमीटर इज 50 mm, सपोर्टेड बाय मींस ऑफ दिस एंड टॉर्सनल मोमेंट 2500। व्हाट इज द मिनिमम साइज ऑफ वेल्ड? ओके वेल्ड का साइज पूछा है, ओके बता सकते हैं आप। देखिए ध्यान से बेटा, इसके अंदर आप वैल्यू रखना है, एरिया से कहीं से एरिया रखिएगा सही तरीके से, आपका आंसर आ जाएगा। एरिया सही तरीके से रखिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। जीजी से 9.09, कमल से 9.11, फटाफट सभी लोग बताओ। बताइए। नहीं 9.1 रॉन्ग है बेटा, रॉन्ग है। साइज ऑफ द वेल्ड पूछा है, ध्यान से देखो, मैं अब आपको बताता हूं, समझिएगा। इतना सब कुछ तो आपने कर लिया, ठीक है सर। अब सर इसको लिखते हैं, जरा देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर मैं इसको लिखने की भाषा में ऐसे लिख सकता हूं, शियर स्ट्रेस बराबर टॉर्क अपॉन एरिया इंटू आर एस, है कि नहीं। चलो नाउ मेरे भाई ये एरिया क्या होगा? तो अब आपको मैं एक अंडरलाइन करता हूं, समझिएगा। सपोर्टेड बाय ए मींस ऑफ सरकमफ्रेंशियल फिलेट वेल्ड हो रहा है। कौन सा वेल्ड हो रहा है बेटा? सरकमफ्रेंशियल फिलेट वेल्ड। एक सर्कुलर साफ्ट है 50 mm डायमीटर का, जिसका वेल्डिंग किया गया है सरकमफ्रेंशियल फिलेट वेल्ड से, ठीक है ना। मतलब एक सर्कुलर साफ्ट है जिसको सरकमफ्रेंस में वेल्डिंग की गई है। समझने की कोशिश कीजिएगा, मतलब ऐसे रख के इसके सरकमफ्रेंस में वेल्डिंग की गई है, ठीक है ना। इस सब्जेक्टेड टू टॉर्सनल मूवमेंट, उसके ऊपर एक टॉर्क लग रहा है। मतलब क्वेश्चन का फिगर अगर मैं बनाने जाऊं ना, तो शायद आप समझ जाओगे ये क्वेश्चन ऐसे, ठीक है ना। ठीक है, तो हमारा ये वेल्डिंग किया गया है यहां। तो भाई वेल्डिंग का कौन सा पार्ट है बेटा? आप देखिएगा ध्यान से, वेल्डिंग ऐसे किया गया है ये वाला, ठीक है। तो ये सरकमफ्रेंशियल, इसके अंदर क्या किया गया बेटा? वेल्डिंग किया गया है ये वाला पार्ट। अब समझो, ठीक है, जिसपे एक टॉर्क लग रहा है 2500, ठीक है, समझना। तो भाई एरिया क्या होगा? अब मैं कहता हूं बेटा एरिया क्या होगा? सर एरिया होगा इसका सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस ले लो पहले, ठीक ना। अब मैं कहता हूं बेटा एक वेल्डिंग किया गया होगा, समझना। वेल्डिंग जो ये मैंने किया है बेटा, ये वाला पार्ट वेल्डिंग का एरिया ले रहे हैं ना हम। किसका एरिया ले रहे हैं बेटा? सर हम वेल्डिंग का एरिया ले रहे हैं। अगर बेटा मैं वेल्डिंग का एरिया लूं, तो वेल्डिंग का एरिया, समझना मेरी बात, ऐसा होगा वेल्डिंग, बिल्कुल। अगर सर मैं इसका एरिया लूं, तो ये क्या होगा? तो सर मैं इस एक सर्किल के रूप में है, ये एक सर्किल के रूप में है। तो सर्किल एक मोटा सर्किल है, मतलब वेल्डिंग किया गया ना, एक मोटाई है उसके अंदर। मोटाई बोले तो थिकनेस है उस वेल्डिंग का, उस वेल्डिंग का एक थिकनेस है। तो मैं अगर उसका एरिया लिखने की कोशिश करूंगा, जैसे मैं कहता हूं एक सर्किल है, उसका एरिया लिखने की कोशिश करूंगा, तो मुझे इसको मैं क्या करूंगा, यहां से कट कर दूंगा। तो मेरे को ये पता चलेगा ऐसे। जब मैं इसको कट करके सीधा करूंगा ना, तो मेरे को ये ऐसे दिखाई देगा। मतलब इस सर्किल को कट करके मैं अगर सीधा कर दूं, तो मेरे को ये सीधा दिखाई देगा। तो मैं कह रहा हूं बेटा इस सर्किल का परिधि, इसका सरकमफ्रेंस क्या हो गया? 2πr, हाँ या ना? 2πr, जो कि कट करने के बाद सीधा कर दिया तो 2πr हो गया, बिल्कुल। अब इसकी मोटाई बोले तो थिकनेस t, ठीक है ना, t इज द थिकनेस, ध्यान रखिएगा। तो इसका एरिया क्या हो गया? वेल्ड जोन का एरिया क्या हो गया? सर द एरिया ऑफ द वेल्ड जोन इज 2πr इंटू t, यस और नो? 2πr इंटू t, यस और नो? फटाफट देखो। गुड इवनिंग ऋषभ, चलो 2πr इंटू t। नाउ गाइज अब समझने की कोशिश करो, यहां शियर स्ट्रेस में वैल्यू रखने का, तो हमारा शियर स्ट्रेस में वैल्यू रखने का है टाउ बराबर टी ओवर 2πr इंटू t इंटू रेडियस ऑफ द शाफ्ट पहले से ही मौजूद है। मेरे भाई बस मेरे को यह बता, ध्यान से देख और समझने की कोशिश कर मेरे भाई, बस यहां ध्यान से देख के समझने की कोशिश कर, ये रेडियस किसका है? सर जी यही शाफ्ट है, यही शाफ्ट है। शाफ्ट के रेडियस के बराबर ही तो वेल्डिंग को घुमाओगे। यस, ये रेडियस भी शाफ्ट का ही रेडियस होगा, सेम टू सेम। तो टाउ क्या हो जाएगा? टी अपॉन, अगर मैं इसको और सॉल्व करूं, 2πt इंटू रेडियस ऑफ शाफ्ट का स्क्वायर, बोलो हाँ या ना? तो मेरे प्यारे भाइयों यहां हमें सब पता है, बस t नहीं पता है। t इज द थिकनेस ऑफ द वेल्ड, ठीक है, थिकनेस ऑफ द वेल्ड, समझने की कोशिश करना। अब ये थिकनेस ऑफ द वेल्ड क्या होता है? तो ये थिकनेस ऑफ द वेल्ड जो होता है बेटा, थोड़ा सा मैं और आपको बता देता हूं। हम लोग यहां तक पहुंच गए ना, बस यहां तक पहुंच गए ना, जस्ट अ वेट। अब मैं आपको बताता हूं थिकनेस ऑफ वेल्ड, हाँ थिकनेस ऑफ वेल्ड होता है बेटा, थिकनेस ऑफ वेल्ड का अगर मैं बात करना चाहूं तो समझने की कोशिश करना, ये जो हमारा बात किया गया है ये होता है 0.707 साइज ऑफ वेल्ड, या आप कह सकते हो वेल्ड साइज, 0.707 वेल्ड साइज, मतलब T बराबर 0.707 H साइज ऑफ द वेल्ड, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से, अगर मैं T की जगह ये रख दूं, हमें क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, हमें क्वेश्चन में पूछ ही रहा है द मिनिमम साइज ऑफ द वेल्ड, वेल्ड साइज। हमें क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है H, क्वेश्चन में H पूछ रहा है, H क्या, समझना ध्यान से। सो मेरे भाई इसको अगर मैं यहां पुट करके सॉल्व कर दूं, देखो ध्यान से, टाउ इक्वल टू T अपॉन 2 पाई r स्क्वायर इंटू T को कहते हैं 0.707 H, तो यहां से H क्या होगा, H इज T अपॉन 2 पाई रेडियस ऑफ शाफ्ट स्क्वायर इंटू 0.707। बस मेरे भाई यही फॉर्मूला चाहिए था, इस फॉर्मूला में वैल्यू रख दो। टी कितना दिया भाई, 2500 न्यूटन मीटर था मुझे याद है, तो मैं 1000 से मल्टीप्लाई करूंगा, 2 पाई इंटू रेडियस ऑफ शाफ्ट क्या होगा भाई, ये 50 mm है, वो हो जाएगा 25, 0.707, ठीक है ना। ये H, यू कैन सी दिस गाइस, देखो कितना आया, देख लो 2500। देखो कहाँ छोटी छोटी तुम लोग गलतियां अभी भी कर रहे हो, इन सब चीजों को देखो, परखो, समझो। बताओ मेरे को क्या हो रहा है, कितना आंसर आया यहाँ, आई थिंक कुछ तो छूटा है क्या, 140 छूट गया है ना, वही तो मैं कह रहा हूं, टाउ छूट गया है ना, मैंने कहा इतना छोटा फॉर्मूला कैसे, ठीक है ना, टाउ छूट गया था ना 140, या डिवाइड बाई 140 कर दिया जाए, 6.43 आया। तो अप्रॉक्स द वेल्ड साइज, वेल्ड साइज जो H आएगा अप्रॉक्सीमेटली 7 mm। सो मेरे प्यारे भाइयों आपने इतनी प्रैक्टिस की एग्जाम से पहले, एग्जाम से पहले अभी भी गलत हो रहा है, इसका क्या मतलब है, थोड़ा सा समझो और देखो कहाँ बाई मिस्टेक तुम क्या कर रहे हो, क्या हो रहा है तुम्हारे। अगर तुम टेस्ट सीरीज दे रहे हो या तुम घर में क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हो, तुमसे ऐसा क्या मिस्टेक हो जा रहा है जिससे क्वेश्चन का आंसर गलत हो जा रहा है, तो प्लीज चेक, प्लीज चेक योर सेल्फ, आप यहाँ चेक करो और ऐसा क्या है जो आप नहीं कर पा रहे हो, ऐसा क्या है जिसकी वजह से आप अभी भी फंस जा रहे हो। मेरे प्यारे भाइयों प्लीज चेक, उसको देखो, उस डाउट को दूर करो। बताइए चलें नेक्स्ट क्वेश्चन। द डायनामिक लोड कैपेसिटी ऑफ द बॉल बेयरिंग इज 22 किलो न्यूटन, द मैक्सिमम रेडियल लोड पूछा है इन किलो न्यूटन। If it can sustain operating 600 rpm and 2000 hour, ये तो कर लोगे, ये तो सबसे आसान क्वेश्चन है। ये तो कर लोगे बेटा, बताओ इसका आंसर होता है। ये तो बहुत आसान है, अभी अभी बताया था। लाइव बराबर सी बाई इफेक्टिव लोड टू पावर एन। जब कुछ भी ना दिया रहे तो होता है बॉल बियरिंग, ठीक ना, ध्यान रखना। अच्छा, अगर मैं इसको L90H लिखूं, ये 90H क्यों लिखते हैं सर? बेटा समझने की कोशिश करना, 90H लिखने का मतलब क्या है कि 90% बियरिंग को आवर में मैं लिखने की कोशिश कर रहा हूं, लाइफ इन आवर। तो C/P इंटू 10⁶ डिवाइड बाई 60 इंटू एन करते हैं, दैट्स इट, ठीक ना। तो आई थिंक आप यहां से ये क्वेश्चन कर सकते हैं, बहुत आसान होता है, ठीक ना। तो फटाफट देखिए, ये आंसर दिया, ये 2000 दिया हुआ है, ये फॉर्मूला, इसका एक्चुअल फॉर्मूला, ठीक ना। अब एक चीज देखो, सी होता है हमारा डायनामिक लोड, डायनामिक लोड, पी होता है रेडियल लोड, ठीक है ना। डायनामिक लोड 22, रेडियल लोड, ठीक है ना, पावर 3 इंटू 10⁶, एक काम करो ना, छोटा सा थोड़ा लिखो, 60 इंटू एन, हाँ थोड़ा सा गैप है, ठीक। देखो अब हमेशा जब कुछ ना दिया रहे ना तो एन की वैल्यू जो होती है हम हमेशा मान लेते हैं बॉल बियरिंग, हमेशा मान लेते हैं बॉल बियरिंग, और इसको ले लेते हैं 3 अपॉन इंटू कैप एन, कितना स्पीड, कितना 600 आरपीएम। यहां सॉल्व करके पी निकाल लो, बहुत आसान है क्वेश्चन। ये रेडियल लोड ही है, पीई का मतलब होता है जानते हो इफेक्टिव लोड, जिसके अंदर एक्सियल लोड भी और रेडियल लोड दोनों लोड होता है। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, बहुत आसान है, आई थिंक हो जाएगा ये क्वेश्चन, आई थिंक ये क्वेश्चन हो जाएगा अब आपसे, ये क्वेश्चन अब आपसे हो जाएगा, यस और नो। फटाफट देख के बताओ मुझे, अब ये क्वेश्चन आपसे हो जाएगा। फटाफट देख कर बताओ, बिल्कुल देखिए ध्यान से, आंसर बताइए आंसर। 5.288, वेरी गुड। सो 5.29 किलो न्यूटन आएगा आंसर, ठीक है ना, ध्यान रखना गाइस। सो दिस इज क्लियर। सो आई थिंक अब मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन नंबर 11 और ये क्वेश्चन नंबर 12, इसको हम लोग अपने अगले सेशन में देखेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 11 अगर आप चाहो तो अपने घर पे कर लेना, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, डीपीपी के रूप में आप अपने घर पे कर सकते हो, लेकिन हम इसको अपने अगले टेस्ट में देखेंगे क्योंकि हमारा समय हो गया है समाप्त, ठीक है ना। आप इसको अगले टेस्ट में देखेंगे बेटा, आप इसको भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है ना, इनका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं डियर। चलिए, सो मेरे प्यारे भाइयों, आप हमारे साथ यहाँ जुड़े रहिए, आज का समय हो गया है थोड़ा सा समाप्त। सो मैं आपको एक छोटा सा अनाउंसमेंट कर देता हूँ डियर। एक छोटा सा अनाउंसमेंट ये है, 8 जनवरी यानी कि कल रात, 8 जनवरी यानी कि कल रात 11 बजे से 11 PM हमारा मशीन डिजाइन स्टार्ट हो रहा है। मशीन डिजाइन का ESE क्वेश्चन प्रैक्टिस, इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन का PYQ हमारा स्टार्ट हो रहा है, ठीक है ना। ईएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम स्टार्ट कर रहे हैं, एमडी का मशीन डिजाइन का ईएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम स्टार्ट कर रहे हैं 8 जनवरी को, 8th ऑफ जैन को, ध्यान रखिएगा 8 जनवरी को हम मशीन डिजाइन का ये स्टार्ट कर रहे हैं ध्यान से। सो मेरे प्यारे भाइयों पूरा फोकस रखिए और इसी तरीके से हमारे साथ बने रहिए, लगातार लगे रहिए। और मैं इस संडे आप लोगों के लिए कुछ एक नया लेकर आ रहा हूँ, कुछ एक नई चीज़ लेकर आ रहा हूँ, मतलब वो कोई सीरीज नहीं है, मैं आप लोगों को बस कुछ सिखाने आ रहा हूँ, ठीक है ना। मेरा फोकस ये रहेगा इस संडे, मतलब आप देख सकते हैं इस संडे तक मैं इसको लेकर आ जाऊँगा, संडे नहीं सैटरडे को ही ले जाऊँगा, सैटरडे ही रहेगा 9th ऑफ जैन को। ओके सो थैंक यू सो मच गाइज। ये हमारा बैच अनाउंस हो चुका है, हिंदी का बैच 1 साल का ये हमारा आ रहा है, दैट इज द इवॉल्व बैच प्लस पे, और हिंदी का बैच 2 साल का एसेंट बैच ये भी हमारा प्लस पे आ रहा है बेटा, ठीक है ना। आप मेरा कोड आलोक लाइव लगा कर परचेज कर सकते हैं प्लस सब्सक्रिप्शन, इफ यू वांट टू ज्वाइन अवर प्लस सब्सक्रिप्शन तो बेटा आपको वहां बहुत फायदा मिलता है, मैं आपको बताता हूं। प्लस पे आपको बहुत फायदे हैं बेटा, आपको डाउट सॉल्विंग सेशन मिलता है, आपको वीकली टेस्ट मिलता है, लाइव क्लासेस मिलता है, ये सब यूट्यूब पे पॉसिबल नहीं है बेटा, डाउट सॉल्विंग वीकली टेस्ट वगैरह सब कुछ, तो ये सब पॉसिबल यहाँ नहीं है, तो उसके लिए आपको प्लस पे जाना होगा। आपके कंफर्ट का बैच आपको मिलता है, रैंक इंप्रूवमेंट बैच मिलता है, सिंगल सब्सक्रिप्शन मल्टीपल बैचेस, ठीक है ना। आपको अलग से कोई सब्सक्रिप्शन नहीं लेना होगा, आपको एक सब्सक्रिप्शन में सब प्रोवाइड कर दिया जाएगा, यू कैन सी दिस। तो मेरे भाई प्लस में आपको ये सारी चीजें मिलती हैं, यहाँ इतनी सुविधाएं हैं। इफ यू वांट टू ज्वाइन अवर आइकॉनिक, अगर आप आइकॉनिक हमारे साथ जुड़ते हो तो आपको मिलता है प्लस पे, आइकॉनिक में अगर आप हमारे साथ जुड़ते हो बेटा तो आपको प्लस पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, और उसके साथ साथ आपको पर्सनल कोच और स्टडी मटेरियल और प्रैक्टिस सेट मिलता है। मेरे भाई समझने की कोशिश करना, अगर आप चाहते हो, अगर आपका जो एम है दैट इज द गेट 2022, गेट 2022 ये आपका एम है 2023, तो अगर आप अपने एम पे टिके हुए हो, अगर आप चाहते हो इसके अंदर एक बहुत ही बेहतरीन स्कोर करना, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। हमें गोल पिक करना है आपको, गेट एंड ईएससी, गेट सब्सक्रिप्शन बटन दबाने का है। प्लस पे 3 तरीके का प्रोग्राम है गाइस, 24 मंथ प्लान, 18 मंथ प्लान, 12 मंथ प्लान, सबका अलग अलग फीस है। सब पे आलोक लाइव कोड लगाने पर आपको 10% का डिस्काउंट मिलता है मेरे भाई। 24 मंथ प्लान इज बेस्ट प्लान डियर। क्यों होता है 24 मंथ प्लान बेस्ट प्लान, ठीक है ना। बच्चे परेशान रहते हैं, हर तरीके का एग्जाम देते हैं, हमें गवर्नमेंट जॉब चाहिए बेटा। 24 मंथ प्लान से क्या फायदा होगा, आप गेट भी दे पाओगे, आप ईएससी का भी कर पाओगे, आप एसएससी के लिए एई जेई का, आप पीएसयू का, कहीं भी आप किसी भी सेक्टर में आप तैयारी कर रहे हो, टेक्निकल क्वेश्चन हो रहे हैं तो आप ये कर सकते हो। तो आप सुकून से 24 मंथ प्लान लो और ये सोच लो कि निश्चिंत होना है, सिर्फ यही पढ़ना है और कुछ नहीं पढ़ना है, इधर उधर कहीं नहीं भटकना है, शांति से ये पढ़ना है। सो 24 मंथ प्लान इज अ बेस्ट प्लान। आपको कुछ नहीं करना है, ईएमआई करना है, ध्यान रखिएगा। ईएमआई 1650 रुपए का करना है, काम हो जाएगा आपका, यू कैन सी दिस। तो 39,600 में अगर आप आलोक लाइव कोड लगाते हो तो आपको मेरा पूरा गाइडेंस मिलेगा डियर। आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, बिल्कुल एकदम दिमाग लगा के काम करने का है, ठीक है ना। अगर आप आइकॉनिक लेते हो मेरे प्यारे भाइयों, इफ यू वांट टू ज्वाइन अवर आइकॉनिक, सो 24 मंथ प्लान एंड 12 मंथ प्लान, आपको ये 2 चीजें देखने को मिली होंगी। आलोक लाइव कोड लगाओ और हमारे साथ यहाँ जुड़ जाओ। ओके सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर बींग ए पार्ट ऑफ दिस सेशन, ठीक है ना। हम बहुत बहुत अच्छा लगा इस सेशन में आपके साथ जुड़ के। सो विल मीट ओवर द नेक्स्ट सेशन, सो टिल देन एंजॉय, बाय बाय। तब तक के लिए सभी को जय हिंद जय भारत।